So, 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 आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर राइट दैट इज देंट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है पता नहीं क्यों काफी बच्चों को क्यों इतना टफ लगता है ये चैप्टर uh, एक नया इंजर्शन है सी इंटर के सिलेबस के अंदर Rather, मैं कहूंगा सीए इंटर के अंदर भी एक नया इंजर्शन है सीए फाइनल के अंदर भी एक नया इंजर्शन है कुछ टॉपिक्स दोनों जगह कॉमन है और कुछ टॉपिक्स में डिफरेंसेस है राइट पहले क्या था जब पुराना सिलेबस हुआ करता था कि पुराने सिलेबस में देयर वाज ऑडिट ऑफ सीआईएस, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और अब ऑडिट ऑफ सी को हटा करके आ गया है ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वॉनमेंट आ गया है इन द न्यू फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स तो देखना बहुत 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 ही ज्यादा 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 आसान टॉपिक 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 है है इजी मजेदार है ध्यान से आप सुनना और बिलीव मी कुछ टाइम के अंदर आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा तो देखना ऑटोमेटेड एनवॉनमेंट होता क्या है वॉट डू मीन बाय ऑटोमेटेड इन्वॉनमेंट तो सबसे पहली चीज अगर हम ऑटोमेटेड इन्वरमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे कंपनीज कंप्यूटर का यूज करती है एक ऐसा इन्वायमेंट जहां पे कंपनीज क्या करती है कंप्यूटर्स का यूज करती है दे यूज वन और टू कंप्यूटर्स दे यूज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस देयर ऑपरेशंस, राइट अकाउंटिंग के लिए यूज करती है बिजनेस चलाने के लिए यूज करती है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करती है तो एंटरप्राइजेस क्या कर रही है कंपनीज क्या कर रही है मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए अपने बिजनेस अकाउंटिंग के लिए अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए तो ऐसे इन्वॉरमेंट को कहा जाता है ऑटोमेटेड इन्वरॉनमेंट एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं बट फर्स्ट लेटर्स हैव ए क्लोज लुक एट द डेफिनेशन द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड इनवरमेंट एन ऑटोमेटेड इन्वॉनमेंट बेसिकली रेफर्स टू ए बिजनेस बिजनेस एनवॉनमेंट एन ऑटोमेटेड एनवॉनमेंट बेसिकली रेफर्स टू ए बिजनेस एनवॉनमेंट वेयर द प्रोसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग एंड इवन द डिसूटर सिस्टम तो एक ऐसा बिजनेस एनवॉनमेंट जहाँ पे प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग और यहाँ तक की डिसीजन मेकिंग भी कैसे लिया जाता है कम्प्यूटर सिस्टम्स की मदद से लिया जाता है जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल तो जो बैंकिंग सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर इज ए परफेक्ट एग्जांपल जहां पे ऑटोमेटेड इन्वरमेंट अपने को देखने को मिलता है आज की तारीख में जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं राइट जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं हर जगह अपने को ऑटोमेटेड इन्वरॉनमेंट देखने को मिलता है बैंकिंग कंपनी का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं पूरी चीज को कि बैंकिंग कंपनी के अंदर आप किस तरीके से देखते हो कि हाउ एन ऑटोमेटेड इन्वायमेंट देयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकों की बात करें तो आज के जमाने पे क्या होता है मल्टीपल बैंक मजेदार ऑपरेट सा कर रही होती से आपके अकाउंट में आज एक लाख रुपए हैं वन लाख रुपीज यू है।, है आपके अकाउंट में वन लाख रुपीज है अब आप सपोज जाते हो डेबिट कार्ड लेकर एटीएम में जाते हो और एटीएम में जाकर दस हजार रुपए विद्रॉ करते हो ठीक है तो जैसे ही आप टेन थाउजेंड रुपीज विद्रॉ करते हो इंस्टेंटली क्या हो जाता है सबसे पहले तो वो आपसे ओटीपी मांगता है मतलब यू नो दे चेक योर सिक्योरिटी आप वहां पिन एंटर करते हो अब तो वो लोग ओटीपी बेस्ड सिस्टम लाने वाले हैं कि साथ में आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाएगा तो आपने पिन एंटर कर दिया आपने ओटीपी एंटर कर दिया और उसके बाद आपने क्या कर लिया कैश निकाल लिया अब मजे की बात ये होती है कि सर वो कैश आता है वहां से आप कैश की गिनती पूरी भी नहीं करते हो उससे पहले आपको बस मैसेज आ जाता है बैंक से कि दस आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं और यहां पे उनका बिजनेस प्रोसेस देखो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है कि आपके अकाउंट में अगर एक लाख रुपए थे आपने दस हजार रुपए जैसे ही डेबिट करा इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो कितना बैलेंस दिखाने लगता है रुपीस दिखाने लगता है ठीक है तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके अकाउंट में क्या होता है सर नाइन्टी थाउजेंड रुपीज दिखाने लगता है और बैंक के भी जितने सिस्टम्स हैं बैंक के भी जितने सिस्टम्स हैं हर जगह वो चीज अपडेट हो जाती है कि आपका जो बैलेंस है वो नाइनटी थाउजेंड रुपीज है अब सोच के देखो ये क्या है ये कंप्लीटली एक ऑटोमेटेड के अंदर काम हो रहा है क्या ये चीज मैनुअली हो रही है क्या मैनुअली एक बंदा बैठा है जो वहां पे कैलकुलेशन कर रहा है अच्छा अच्छा सानिध्य सराफ आया उसने बैंक से दस हजार रुपए निकाले उसके अकाउंट से दस हजार रुपए माइनस करना है सोचो अगर ये काम मैनुअली होता तो क्या होता एंड जस्ट इमेजिन कि आपको क्या लगता है उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर क्या सिर्फ सानिध्य सराफ पैसा निकाल रहा है बैंक से पता नहीं कितने हजारों लाखों कस्टमर्स हैं जो उसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर पैसा निकाल रहे हैं कोई दस हजार रुपए निकाल रहा है, है, है।, है और आप सोच के देखो हर किसी का हाँ भैया तुम्हारा इतना बैलेंस बाकी है सिर्फ पैसा निकाल नहीं रहे एट ए साइमल्टेनियस पॉइंट ऑफ टाइम हजारों लोग पैसे निकाल रहे हैं हजारों लोग पैसे डाल रहे हैं कुछ लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ लोग आई एम पी एस कर रहे हैं और सोच के देखो जितने हजारों लाखों लोग हैं हर किसी के अकाउंट में इंस्टेंटली सेकंड रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका पैसा इतना कम हो गया आपका पैसा इतना ऐड हो गया मतलब यार अभी मैंने सुबह कुछ दो तीन लाख रुपए ट्रांसफर करे अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में और इंस्टेंटली टेन सेकेंड के अंदर करंट अकाउंट से भी तीन लाख का बैलेंस कट गया और सेविंग्स अकाउंट में भी तीन लाख का बैलेंस एड हो गया सो दैट हाउ फास्ट इट ऑपरेट इंसानों से तो नहीं हो सकता मैनुअली तो नहीं हो सकता तो क्या कर रखा है उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम सेट कर रखा है ऑटोमेटेड इन्वॉर्नमेंट सेट कर रखा है जहां पे सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं ऑटोमेटिकली हो रहे हैं सब कुछ सर्वर में सेट है एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें लिंक्ड हैं। जैसे ही एक बंदा पैसा डालेगा तुरंत उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा तुरंत ब्रांचेस को पता चल जाएगा तुरंत हेड ऑफिस में पता चल जाएगा मतलब हाथ तो हाथ जैसे ही पैसा निकलेगा हर जगह इंटीमेशन चला जाएगा यहां तक कि सपोज लेटेस्ट से आज की तारीख में आप बैंक लोन्स लेने जाते हो तो अगर आप बैंक लोन लेने जाते हो आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी उस बैंक के साथ खुला है वो बैंक वाला क्या करेगा पता सिर्फ आपका सिविल स्कोर चेक करेगा अब वो सिविल स्कोर जो चेक किया जाता है तो वो भी कैसे किया जाता है कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है बिकॉज वहां पे पूरा क्राइटेरिया सेट है कि वो देख लेंगे कि आपका कितना बैलेंस है आपका कितना ट्रांजेक्शन यूसेज है आपने कितने कितने लोन्स लिए हैं पहले आपका क्या डिफॉल्ट रेट है और सोच के देखो विद इन सेकेंड्स आपका वो सिविल स्कोर जनरेट करके दे देगा ओके दिस इज योर सिविल स्कोर

सो so अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि आज के टाइम पे आप पे पेटीएम से, you know, से कि कुछ परचेसिंग करते हो तो पेटीएम में भी क्या है ऑटोमेटेड है आपने मूवी मूवी टिकट बुक करा तो आपने जैसे ही मूवी टिकट बुक करा तो तुरंत आपके अकाउंट में टिकट आ गया तुरंत जो भी सिनेमा है आपने लैडस से पीवीआर से टिकट बुक करा आपने इनॉक्स से टिकट बुक करा तुरंत उनके सिस्टम में अपडेट चला गया कि सानिध्य ये फलाना टिकट बुक करा है दो टिकट बुक कर रहे हैं तुरंत आपको पता चल गया तुरंत आपके मेल में आ गया तुरंत आपके बैंक से पैसे कट गए तो सोचो सारी की सारी चीजें किस तरीके से इंटीग्रेटेड है हाउ द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड दिथ इच अदर दैट इज वी कॉल ऑटोमेटेड कॉलोमेंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस हर स्टेप में कंप्यूटर्स की मदद ले रही है आज की तारीख में जहां पे प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है जहां पे अकाउंटिंग भी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है जहां पे डिसीजन मेकिंग भी कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है दैट इज ऑटोमेटेड इन्वरॉनमेंट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना मेंटर आपको पता है यहां भी हम लोग ऑटोमेटेड इन्वायमेंट का इस्तेमाल करते हैं जानना चाहोगे कि हम लोग अपना मेंटर के अंदर ऑटोमेटेड का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये जो एग्जांपल्स में ले रहा हूं ना मतलब आपको समझ आएगा काफी सारे टॉपिक खत्म हो गए चैप्टर के ठीक है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम लोग ऑटोमेटेड इन्वायमेंट का यूसेज करते हैं पहले जब यूसेज नहीं किया था तो क्या तकलीफ आई थी अब जब यूसेज कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट मिला है अपने को ध्यान से सुनना बहुत मजा आएगा आपको और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस एग्जाम्पल से तो जैसे लास्ट टाइम क्या बात आपको मैं बताता हूं अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ना सीए फाइनल के अंदर संजीवनी कोर्स लॉन्च किया था ठीक है तो संजीवनी कोर्स क्या है एक कोर्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा ऑडिट लॉ पच्चीस घंटे में कंप्लीट हो सकता है अच्छे से 25 घंटे के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगा रिवीजन हो जाएगा लास्ट मिनट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एक लो प्राइस कोर्स है करीबन 1500-2000 रुपए के आसपास फीस होगी 25 घंटे का कोर्स है तो हमने लॉन्च करा था ऑडिट लॉ का अब हमने जितना एक्सपेक्टेशन किया था ना कि जितना रिस्पॉस आएगा उससे पांच गुना ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया अब होता क्या है कि हर एक बच्चा जब क्लास परचेज करता है उसको क्लासेस का लिंक देना पड़ता है उसको बुक्स डिस्पैच करने पड़ते हैं उसको एक्टिवेशन कीज देनी होती है काफी सारा काम होता है सबसे पहले जो एक बर्डनसम काम होता है वो होता है कि हर एक बच्चे को मेल करना पड़ता है हर एक बच्चे को एक्टिवेशन की देनी होती है तो तब तक क्या होता था कि मैनुअली हम लोग हर बच्चे को मेल किया करते थे, हर बच्चे को एक्टिवेशन की दिया करते थे और दिन में दस बार ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे हमने संजीवनी कोर्स करा, पता चला, अरे यार ऑर्डर अब भाई मैनुअली तो सबको दस बार ऑर्डर्स प्रोसेस करने की आदत है ज्यादा से ज्यादा कितना पचास साठ फिफ्टी सिक्सटी बाई डूइंग ओवर टाइम लेकिन ऑर्डर्स कितने आ गए हजार गए पांच दिन के अंदर हजार अब तो अब पता चला कि पंद्रह दिन हो गए बीस दिन हो गए सबको कीज़ नहीं जा पा रही एक मतलब क्राइसिस और 20 -20 मेल्स मिला।, 20 -20 मिला ऐसा हाल हो गया तो हम लोगों ने रियलाइज यार यहाँ पे क्या गलती है यहां पे गलती है कि यार हम लोग मैनुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं और जैसे ही पीक आता है तो मैनुअल सिस्टम फेल हो जाता है तो हमने बोला यार लेट अस मूव टुवर्ड्स एन ऑटोमेटेड इन्वॉरमेंट फिर हमने क्या के हमने अपने आईटी टीम से बात करी अपने आईटी टीम के साथ बात करके हमने क्या किया अपने वेबसाइट से अब हमारा जो सिस्टम है हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक्टिवेशन की दिया जाता है हमारे वेबसाइट से हमने दोनों को क्या कर लिया इंटीग्रेट कर लिया अब दोनों को इंटीग्रेट कर लिया तो क्या होता है कि अब जैसे ही स्टूडेंट परचेज करता है फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे ने जैसे संजीवनी कोर्स को ऑर्डर दिया तो अब मैनुअली किसी को कुछ नहीं करना मैनुअली सिर्फ किताबें पैक होनी है दैट्स इट मैनुअली किसी को कुछ नहीं करना ठीक है मैनुअली सिर्फ फिजिकल बुक्स पैक होगा लेकिन काफी बच्चे तो ई बुक परचेज करते हैं ई बुक ऑप्शन ई बुक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है तो काफी बच्चे ई बुक ऑप्शन भी परचेज कर लेते हैं फिजिकल बुक्स तो अब क्या होता है जैसे ही बच्चा वेबसाइट में जाता है और जैसे ही संजीवनी कोर्स को ऑर्डर देता है तो तुरंत वो सब चीज ऑटोमेटेड है जैसे ही उसने ऑर्डर किया दस सेकेंड के अंदर मैक्सिमम दस सेकेंड के अंदर जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है वेबसाइट से आईटी वालों ने इंटीग्रेट कर दिया है अब क्या हो गया कि बच्चे को 10 सेकंड के अंदर मेल मिल जाता है इमिडिएटली डेयर सर यू है ऑर्डर योर एक्टिवेशन की फॉर द ऑर्डर इज दिस योर गूगल ड्राइव लिंक फॉर द ऑर्डर इज दिस योर ई बुक लिंक फॉर द ऑर्डर इज दिस तो आप सोच के देखो यार कि पिछली बार जो इतना क्राइसिस वाला सिचुएशन हो गया था इतना ज्यादा टाइम लग गया था इतना ज्यादा टाइम लग गया था अब जैसे ही हम लोगों ने ऑटोमेटेड इन्वॉनमेंट किया मैनुअल एरर्स के सारे काम खत्म हो गए पहले तो यहाँ मैनुअल एरर्स भी होते थे इतना असर ऑर्डर का प्रेशर पता चला कि ऑडिट का ऑर्डर आया लॉ का की दे दिया ऑडिट का ऑर्डर आया लॉ के गूगल ड्राइव लिंक दे दिए लेकिन अब तो सब कुछ कंप्यूटर में सेट हो गया ना तो अब क्या हो गया ऑडिट का ऑर्डर आ रहा है तो ऑडिट का ही किया जा रहा है लॉ का ऑर्डर आ रहा है तो लॉ का ही जा रहा है और इंस्टेंटली जा रहा है एकदम विद इन नो टाइम यू नो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जा रहा है फास्ट जा रहा है जो क्लैरिकल एरर्स के सारे के सारे चांसेस थे वो खत्म हो गया बिकॉज हमारा सारा का सारा बिजनेस ऑपरेशन क्या हो गया इंटीग्रेट हो गया है

हाउ टिकट्स कैन बी परचेज ऑन मोबाइल फोन एक्सेट्रा की फीचर्स क्या क्या है ऑटोमेटेड इन्वॉरमेंट के अब एग्जाम्पल आप रिकलेक्ट कर पाओगे सारा का सारा रीकलेक्ट कर पाओगे इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशन जैसे बैंक में आप देखते हो कितना फास्ट ऑपरेशन होता है मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपना मेंटर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही हमने ऑटोमेशन ले आए हम तो कितना फास्ट बिजनेस ऑपरेशन हुआ वहां पे एक इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन बिल्कुल एक्रेसी के साथ क्या होगा सब कुछ कैलकुलेट होगा एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पहले क्या हुआ था कि वो जब संजीवनी का इतना बल्क में ऑर्डर आया था तो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब जैसे ही ऑटोमेटेड इन्वॉर्मेंट आगे आ गया जाए पांच हजार ऑर्डर आ जाए दस हजार ऑर्डर आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी कैन प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं ऑटोमेट कर दूं अगर मैं मैनुअल बेसिस में काम करूंगा तो मेरे को लिमिट करना पड़ेगा कि नहीं भाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर देन थाउजेंड ऑर्डर्स वैसे ही बैंक में होता है कितने सारे कस्टमर्स एक साथ ट्रांजेक्ट कर रहे होते हैं बट स्टिल दे कैन ट्रांजेक्ट इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है कि जितने भी अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन होता है उनके बीच एक प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाता है जैसे अगेन हमने एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करा बेटर सिक्योरिटी बेटर कंट्रोल्स मैनुअली तो एक पॉसिबिलिटी थी अगर मैनुअल सिस्टम होता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि कोई अपने रिश्तेदार को भी गूगल ड्राइव लिंक दे देता एक्टिवेशन की दे देता दे दे पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेता लेकिन अब जैसे ही ऑटोमेटेड इनवायरमेंट हो गया अब क्या हो गया अब ये हो गया कि सिक्योरिटी अच्छी हो गई है कंट्रोल्स अच्छी हो गई है मैन्युलेन्स के चांसेस नहीं है जब बच्चा पेमेंट करेगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा सिस्टम किस बच्चे ने पेमेंट करा है कौन से कोर्स का पेमेंट करा है और तब क्या कर रहा है वो किस जनरेट करके दे रहा है है ना तो बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स लेस टू ह्यूमन एरर्स ह्यूमन एरर्स के चांसेस नहीं है पहले क्या होता था इतना जब ऑर्डर आया तो पता चला कि ऑडिट वाला बच्चा कंप्लेन कर रहा है मेरे को लॉ का की मिल गया लॉ वाला बच्चा कंप्लेन कर रहा है ऑडिट का की मिल गया होता है ना यार इंसान गलतियों का पुतला है बट जैसे ही ऑटोमेट कर दिया वो गलतियां होनी बंद हो गई प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब एक बेनिफिट और क्या होता है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है और कनेक्टिंग एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज राइट तो ये सारे क्या है ऑटोमेटेड इन्वायमेंट के दी फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड इन्वायमेंट अब एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आँट के आठ पॉइंट याद रख सकते हो बहुत ही आसान है है ना यू कैन रिमेंबर थ्रू और एक और तरीका है ये सारे पॉइंट्स को याद रखने का एक और तरीका है आपको क्या याद रखना है आपको कुछ याद याद नहीं रखना है आपको याद रखना है ए बी सी डी अगर आपसे कोई पूछे वाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड आपको क्या याद रखना है ए बी सी डी ए बी सी डी वाट इज एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन क्या आ जाएगा एक्यूरेसी आ जाएगा डाटा प्रोसेसिंग के अंदर कंप्यूटेशन के अंदर से एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन तो हम लोग यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर पाएंगे कितने भी कस्टमर्स एक साथ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे बिजनेस को ठीक है तो इसे क्या हो गया एक इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन ए से क्या हो गया एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बी से क्या हो गया बिजनेस ऑपरेशंस मेरे फास्ट हो जाएंगे बिजनेस ऑपरेशंस बी से क्या हो गया बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस ऑपरेशंस के दो पॉइंट होंगे पहला बिजनेस ऑपरेशंस फास्ट हो जाएंगे और दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस में इंटीग्रेशन आ जाएगा पहला क्या हो गया बिजनेस ऑपरेशंस मेरे फास्ट हो जाएंगे और दूसरा क्या हो गया बिजनेस ऑपरेशन में मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर सी से कंट्रोल्स कंट्रोल्स में क्या हो गया बेटर सिक्योरिटी बेटर कंट्रोल्स कि हम ज्यादा सिक्योरिटी के साथ काम कर पाएंगे ज्यादा कंट्रोल्स होगा ऐसे भी सी का मतलब आपके दिमाग में ऑडिट में क्या आता है कंट्रोल्स कनेक्टिविटीविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम होगा और d से क्या आता है डेटा कि जो डाटा प्रोवाइड होगा वो हमेशा लेटेस्ट प्रोवाइड होगा जो डाटा प्रोवाइड होगा वो हमेशा लेटेस्ट प्रोवाइड होगा यानी कि प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ठीक है ना तो अगर आपसे कोई पूछे वॉट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड इनवेंट ए बी सी डी ए से क्या हो गया एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन ए से क्या हो गया एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ बी से क्या हो गया कि जो बिजनेस ऑपरेशन होगा वो फास्ट होगा इंटीग्रेशन में काम आएगा सी से क्या होगा कि कंट्रोल्स अच्छे होंगे और फिर उसके बाद डी से क्या होगा कि डाटा दैट इज लेटेस्ट डाटा प्रोवाइडिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बहुत आसान है आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी याद कर सकते हो और एग्जैक्टली ए बी सी डी के थ्रू भी याद कर सकते हो क्लियर है सो अगेन दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एंड द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आई बिलीव क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है आप देखना आगे बढ़ने से पहले अपने को एक छोटे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आप समझ लो कि आने वाले काफी सारे टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएंगे जब आईटी का इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ हो जाएगा जब आईटी का इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ हो जाएगा तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी नॉर्मली ठीक है तो बहुत सिंपल है एक तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जैसे ही आईटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे बिजनेस के साथ जो भी जो भी जो भी भी कंप्यूटेशन पहले मैनुअली हुआ करता था अब वो ऑटोमेटिकली सिस्टम करके देगा राइट फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सी चीज मान लीजिए एक्सल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो पहले आप जो कैलकुलेशंस क्या करते थे मैन्युअली करते थे आप एक्सेल को यूज करके क्या करते हो सारा का सारा सिस्टम के थ्रू वो सारा का सारा कैलकुलेशन कर लेते हो बाय द सिस्टम राइट अगर अपन और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो फिर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ईआरपी इंप्लीमेंट कर लेती है राइट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और ईआरपी आर इंप्लीमेंट करने से ये तक होता है कि ये कंपनी का टोटल सेल्स हुआ तो फिर एग्जांपल हर कंपनी क्या है जीएसटी में रजिस्टर्ड है एवरीवन इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी हर किसी का जीएसटी पेमेंट बनता है तो वो जो आई सिस्टम है ईआरपी है वो ये तक कैलकुलेट करके बता देगा आपके टोटल सेल्स कितनी है आपका जीएसटी कितना बनता है आपका क्रेडिट कितना है तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा, GST का GST का तक IT करके देगा. Okay, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी भी वो खुद कैलकुलेट करके बता दे और रिटर्न भी खुद फाइल कर दे सो so, इस तरीके से एडवांसमेंट आ सकता है आईटी की मदद से प्लस क्या होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज

राइट कैश ट्रांजेक्शन होगा तो परचेज टू कैश होगा यू नो क्रेडिट क्रेडिटिशन होगा तो परचेज टू पार्टी नेम होगा तो ये तो आप मैनुअली क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं बट आईटी को यूज करके ये सारा काम हो जाता है कि आपको सिर्फ ये डालना है परचेज करा राइट right. और कैश में करे किसी पार्टी से करा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी उसका नरेशन क्या होगा एंड उसके बाद वो परचेज का इंपैक्ट कौन कौन से लेजर में जाएगा ट्रायल बैलेंस में कहा इंपैक्ट जाएगा पी एंडल में कहा इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में कहा इंपैक्ट जाएगा वो आई अपने आप करेगा आपको झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है आपको मैनुअली कुछ काम ही नहीं करना आपको सिर्फ आई सिस्टम को अच्छे से इंटीग्रेट कर देना अपने बिजनेस के साथ दैट्स इट सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट आज के टाइम में सिस्टम जनरेट करके देता है सारा का सारा रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल डेटर एजिंग रिपोर्ट क्रेडिटर एजिंग रिपोर्ट ये सारा का सारा क्या होता है सिस्टम जनरेट करके देता है अगर मेरे को रिपोर्ट जनरेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल्स uh, जो है देश भर में वो कहां से कितना आया नॉर्थ से कितना आया ईस्ट से कितना आया साउथ से कितना आया तो मेरा आईटी सिस्टम मेरे को जनरेट करके दे देगा कि ओके दिस इज योर सेल्स तो अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान माई बिजनेस इन बेटर मैन ओके यार नॉर्थ से इतना अच्छा सेल है यार साउथ से कम है ओके okay, साउथ से क्यों कम है बिकॉज मेरी इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स नहीं है नॉर्थ से क्यों ज्यादा है बिकॉज हिंदी में बच्चे बहुत पसंद करते हैं ओके okay, अगर मैं इंग्लिश रिकॉर्डिंग्स निकालता हूँ तो वो साउथ के एरिया भी पेनिट्रेट हो सकता है तो वो क्या होगा कि सिस्टम सारा का सारा रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ईच एंड एवरी डेटर अच्छा इस डेटर से पैसा इतने टाइम से मिलना था आ गया कि नहीं आ गया आई कैन जस्ट जनरेट द डेटर एजिंग रिपोर्ट

तो उसके बाद जितने भी बिजनेस पॉलिसीज हैं हैं बिजनेस प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो क्या होता था कि लैडस से जो कंपनिया उधारी देने का काम करती हैं फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या कर रही हैं लोगों को लोन्स दे रही हैं तो मैनुअली सेट करना पड़ता था मैनुअली देखना पड़ता था अरे भाई इस कस्टमर का जो क्रेडिट लिमिट है ना वो एक लाख रुपए है इसको एक लाख रुपए से ज्यादा मत देना उसके फैक्टर को फिगर्स करना है अकॉर्डिंगली क्रेडिट लिमिट रहेगा इतना उधारी दे दिया है तो वो सारा काम मैनुअली करना पड़ता था अब आई से क्या हो गया अब आई से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपने डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है कि फॉर एग्जांपल सारे के सारे कस्टमर्स के लिए जो डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट होगा वो दो लाख रुपए होगा लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है या ये फलाना कस्टमर है ये हमारे पांच कस्टमर हैं इनका क्रेडिट लिमिट दस लाख रुपए है तो अब क्या होगा वो कस्टमर क्रेडिट में परचेस करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जैसे ही वो कस्टमर अपना क्रेडिट लिमिट जंप करने वाला होगा तो आपका सिस्टम आपको अलर्ट कर जाएगा कि अरे भाई ये जो कस्टमर है इसका क्रेडिट लिमिट आपका जो क्रेडिट लिमिट आपने सेट करा है उसको जंप करने वाला है आपका सिस्टम आपको अलर्ट करके बता देगा कि संभल जाइए आपका सिस्टम क्या करने लगेगा डिसेबल करने लगेगा उसके ट्रांजेक्शन को कि इसका जो क्रेडिट लिमिट है वो एग्जॉस्ट होने वाला है तो इंटरनल कंट्रोल्स भी क्या कर दिया हमने आईटी के थ्रू सेट कर दिया इंटरनल कंट्रोल्स भी हमने क्या कर दिया आईटी के थ्रू सेट कर दिया सारे के सारे बिजनेस पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या कर दिया दिया आईटी के थ्रू सेट सेट कर कर ये हमने ऑफिस टाइमिंग रखे हैं फॉर एग्जांपल टेन थर्टी टू सिक्स थर्टी तो मैनुअली एक बंदा रजिस्टर लेके बैठा है टाइमिंग कैलकुलेट कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है लेकिन अब क्या हो गया सब कुछ आई के थ्रू हो गया परचेज डिपार्टमेंट का बंदा है वो सीधा वो वो सीधा परचेज रूम में जाएगा राइट right. उसको सीधा अपने रूम में एक्सेस मिलेगा उसके लिए उसका क्या होगा उसके पास एक आईडी कार्ड होगा अकॉर्डिंगली वो बायोमेट्रिक स्कैन करके क्या करेगा एक्सेस लेगा उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन वहां पे क्या हो गया सारी चीजें डिफाइन हो गई कि वो बंदा जो है इसी पार्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करेगा उसके बाद उसका टाइमिंग कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप ही वो अपना थर्म इंप्रेशन देगा अपने आप टाइमिंग कैलकुलेट हो जाएगा वो बंदा इतनी बजे आया था जैसा जब वो बाहर जाएगा तो फिर से वो अपना इंप्रेशन देगा तो अगेन ये बंदा इतनी बजे बाहर गया है अकॉर्डिंगली इसने एक दिन में इतने घंटे काम करे हैं उसने अकॉर्डिंगली एक हफ्ते में इतना काम करा है एक महीने में इतना काम करा है आपने अर्ली रेट या पर डे रेट सेट कर दिया तो इसकी सैलरी इतनी बनती है तो समझ रहे हो इस तरीके से सारे के सारे बिजनेस पॉलिसी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी को भी हम क्या कर लेंगे कंट्रोल कर लेंगे आई टी के थ्रू द यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कि किस बंदे को कितना एक्सेस देना है किस बंदे को किस चीज का एक्सेस देना है किसी को रीड ऑनली का एक्सेस देना है या किसी को रीड के साथ एडिट करने का भी एक्सेस देना है किसी को सिर्फ बुक्स रीड करने का एक्सेस देना है या किसी को बुक्स रीड करने के साथ साथ प्रिंट आउट करने का भी एक्सेस देना है तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया एक्सेस डिफाइन हो गया एक ही कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक्सेस डिफाइन हो गया कि अगर इस आईडी पासवर्ड के साथ बंदा लॉग इन करेगा तो उसको पा, उसके पास यही ऑथराइजेशन होगा लेकिन अगर आईडी पासवर्ड चेंज होगा तो ऑथराइजेशन लिमिट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दब क्या कर सकते हो यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हो तो ये सारा कुछ होने वाला है जब आप आईटी को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हो क्लियर तो 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 होने वाली है सारे के सारे कंप्यूटेशन कैलकुलशन ऑटोमेटिकली कैरी आउट होने वाले हैं मेरी जिंदगी में मजा होने वाला है बिकॉज आईटी मुझे बता देगा टोटल सेल्स इतनी है टोटल जीएसटी इतना है टोटल खर्चा इतना है आई सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा मुझे कुछ नहीं करना मैनुअल स्टाफ को कुछ नहीं करना अकाउंटिंग एंट्रीज अपने आप हो जाएगी सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करके अपने आप दे देगा सारे के सारे बिजनेस पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे और यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी भी आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं आई की मदद से तो अब देखना रेलिवेंस ऑफ आई टी इन ऑडिट इज द रेलवेंस ऑफ आई टी इन ऑडिट तो यही सारे पॉइंट लिखे हैं

जो भी रिपोर्ट बिजनेस में यूज होगा, तो होगा तो जनरेट होगा मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटीज आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग होगा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे तो आज की तारीख में जब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है तो अपने तो जाके करना है ना अपने को तो ऑडिट भी उसी इन्वॉर्मेंट में जाकर करना है जहां पे सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं जहां पे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है जहां पे बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम करके दे रहे हैं सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स रिपोर्ट अपने को भी रिलाई करना पड़ेगा तो अपने को ऑडिट भी उसी माहौल पर करना है तो दिस इज गोइंग टू बी द रेलिवेंस ऑफ आई इन एन माइडिट इज वेल राइट उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है वॉट आर द दिचुएशन इन विच आई टी विल बी रेलिवेंट टू एन ऑडिट कि आईटी ऑडिट के लिए कब कब रेलिवेंट होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे ऑडिट के लिए कब कब रेलिवेंट होगा एज ए ऑडिटर ऑडिट करते वक्त मैं भी आई का यूज करूं कि नहीं करूं तो आज के जमाने पे जब एक एंटिटी कंप्यूटर्स यूज कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए तो एज ए ऑडिटर्स हम भी आईटी का यूज करेंगे ऑडिट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि आज के जमाने पे जब एंटिटी क्या कर रही है कंप्यूटर्स यूज कर रही है कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रही है आई यूज कर रही है अपने बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए तो एज ए ऑडिटर्स हम भी आई यूज करेंगे अपने ऑडिट करने के लिए लेकिन आईटी हमारे ऑडिट में कब काम आएगा जब एंटिटी मल्टीपल कंप्यूटर के थ्रू काम कर रही है जब एंटिटी ने आईटी बिल्ड कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर तो एज एडिटर अपने यूज करना पड़ेगा जब उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हाई है जब एंटिटी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हाई है जहां कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है जहां एंटिटी सिस्टम यूज कर रही है कंप्यूटर्स यूज कर रही है एप्लीकेशन यूज कर रही है सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो वहां पे अपने को भी क्या करना पड़ेगा आईटी यूज करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर जहां कंपनी नेटवर्क्स के थ्रू काम कर रही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नेटवर्क्स के थ्रू काम कर रही है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो अपने आई टी यूज करना पड़ेगा बिकॉज अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो मैनुअली में सारे ट्रांजेक्शन को नहीं देख सकता मेरे को सैंपल भी आईटी यूज करके ही सिलेक्ट करना है उस टाइम मेरे को मेरे, मेरे को भी जो मेरा कैलकुलेशन का पार्ट है वो आईटी यूज करके ही करना है तो अकॉर्डिंगली जब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा हो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो सिस्टम ज्यादा यूज हो रहे हो एप्लीकेशन ज्यादा यूज हो रहे हो नेटवर्किंग यूज हो रही हो तो वहां पे आई यूज करने वाला हूं मैं भी अपने ऑर्डर के अंदर फिर डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है आज की तारीख में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिकॉज एज ए ऑडिटर अपने को क्या करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना है एज ए ऑडिटर अपने को क्या करना है इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसके हिसाब से काम करना है तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई कोई आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि आप आई को कब यूज करोगे ऑडिट में तो भाई अगर सामने वाला बंदा सिस्टम ज्यादा यूज करेगा नेटवर्किंग ज्यादा यूज करेगा मैं भी आई यूज करूंगा अगर वहां नेचर ऑफ बिजनेस उनका ऐसा है फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस है बैंकिंग कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है टेलीकॉम कंपनीज है ऑनलाइन कंपनीज है तो मैं भी आई यूज करूंगा उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हाई है मैं भी आईटी यूज करूंगा रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट्स को देखूंगा स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट को देखूंगा और सिंपल सी चीज अगर मेरे को कोई एक लाइन में पूछे अगर आईटी यूज करने से मेरे ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो मैं आई यूज करूंगा क्या बोला मैंने अगर आई यूज करने से मेरे ऑडिट की एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो मैं आई यूज करूंगा

ठीक है ना बहुत सिंपल है तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द सिचुएशन इन विच आई टी विलेशन कंप्यूटेशन कैरीड आउट ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाइड ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटीज को कंट्रोल किया जाता है तो दिस इज द रिलेवेंस ऑफ आईटी ऑडिट और अगर कोई पूछेगा कि कब कब आईटी यूज करूंगा तो अगेन जिससे मेरी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस भरेगी जब मेरा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आईटी इंक्रीज करेगा ऑडिट के अंदर जहां सिस्टम्स यूज हो रहे हैं जहां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं जहां कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है जहां बिजनेस का नेचर ही इतना हाईटेक है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है कंपनी की पॉलिसीज वैसी है रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट्स एंड इफ देर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो सारा पॉइंट्स यहाँ पे आ गया

एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं देखता हूं कि एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है अब इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स याद है क्या-क्या पढ़ा था हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या-क्या पढ़े थे सीए का एएम एक फार्मूला बनाया था सीए का एम सी से कंट्रोल एनवायरमेंट ए से एक्टिविटीज यानी कंट्रोल एक्टिविटीज ए से असेसमेंट प्रोसीजर्स यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम एम से मॉनिटरिंग तो आई से क्या था इंफॉर्मेशन सिस्टम था याद करो इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है यानी कि ऑटोमेटेड एनवाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है अगर एक एंटिटी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रही है तो एज ए ऑडिटर जाकर मुझको भी क्या करना पड़ेगा ऑटोमेटेड ऑटोमेटेडमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी सिंपल सी चीज है ना अगर एक एंटिटी ऑटोमेटेड एन्वायरमेंट में काम कर रही है तो अगर मैं भी उस एंटिटी का ऑडिट करने जाऊंगा तो मेरे को जाकर ऑटोमेटेड इनवायमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी बिकॉज वो लोग ऑटोमेटेड इनवायमेंट यूज कर रहे हैं तो मेरे को भी तो जाकर अंडरस्टैंड करना होगा बहुत सिंपल सी चीज है ना कि भाई उन्होंने कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करा है उन्होंने अपने आईटी को अपने सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरकनेक्ट किया है किस तरीके से इंटरग्रेट किया है आईटी को अपने बिजनेस के साथ वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं उनका डाटा बेस कैसा है उनका आईटी सिस्टम इन हाउस है या आईटी सिस्टम आउटसोर्सड है या आईटी सिस्टम पैकेज है बिकॉज अलग अलग तरीका होता है फॉर एक्जाम्पल आज मेरे को वेबसाइट बनाना है आज मेरे को कंपनी में आई बिल्ड करना है तो एक होता है कि मैंने अपना इंटरनल आई टीम हायर कर रखा है चार पांच आई इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं वो सारा काम कर रहे हैं एक होता है कि मैं सॉफ्टवेयर पे चला गया हूं पैकेज मतलब एक मैंने सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उसमें वो फीचर्स इनबिल्ड फॉर हैग्जाम्पल टेली रेडीमेड सॉफ्टवेयर टेली परचेज कर लिया मेरा काम हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने टैली परचेज कर लिया जो एक पैकेज सॉफ्टवेयर है या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने एक अलग से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किया अपने सिस्टम के लिए कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आउटसोर्स कर दिया थर्ड पार्टीज को ये कंपनी कुछ भी कर सकती है ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मीडियम में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है टेली यूज कर लेती है पैकेज सॉफ्टवेयर यूज कर लेती है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है अपने हिसाब से अपना ई सिस्टम बनवाती है कुछ लोग आउटसोर्स कर देते हैं तो एज ए ऑडिटर जब मैं जाऊंगा ऐसे एंटिटी को ऑडिट करने जो लोग ऑटोमेटेड इन्वॉनमेंट यूज कर रहे हैं तो मेरे को भी तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि उन्होंने अपना आईटी सिस्टम इन हाउस कर रखा है या पैकेज कर रखा है या आउटसोर्स कर रखा है उनका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है कैसा है उनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है Because एक होता है कि मैंने आई लगाया है फाइनेंशियल के लिए कि कि हाँ मेरे मेरे को को सेल्स की फिगर पता पता चल जाए, मेरे को का पता चल जाए, जाए जीएसटी जीएसटी का का अमाउंट कितना है एक होता है नॉन फाइनेंशियल पर्पज के लिए कि मेरा बाकी को करने में काम आ रहा है मेरा आईटी टी सिस्टम सिचुएटेड है क्लाउड में सिचुएटेड है राइट मेरे आईटी सिस्टम का मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं उस आईटी सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है सेंट्रलाइज्ड है या ब्रांच बेस्ड है फॉर एग्जांपल बैंक में अगर आप देखोगे तो बैंकों में क्या होता है कि उनका आईटी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है कभी भी ब्रांच बेस्ड नहीं होता बट काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां पर उनका आई टी सिस्टम क्या होता है ब्रांच बेस्ड होता है सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है फिर उसके बाद एक चीज मेरे को और अंडरस्टैंडिंग लेनी है

टैली का सेम वर्जन पूरे एंटरप्राइज में यूज हो बिकॉज हर वर्जन का क्या होता है अलग अलग फीचर होता है राइट right. तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए टैली टैली का का सेम फीचर, का सेम फीचर वर्जन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए अगर एक डिजाइन बेस्ड कंपनी है तो उनके सारे डिजाइनर्स को का एक ही वर्जन यूज करना चाहिए राइट right. सो so वहां पे मेरे को क्या देखना है कि जो वर्जन है वो पूरा एंटरप्राइज में यूनिफॉर्म है कि नहीं है उनका आईटी उनके सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस करता है कि नहीं करता बिकॉज अगर आईटी सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस नहीं करेगा तो आईटी सक्सेसफुल नहीं होगा फॉर मैंने आपको बताया कि अपना मेंटर में हमने ऑटोमेशन ले आए हम लेकिन आप सोच के देखो अगर आईटी मेरे सिस्टम के साथ इंटरफेस नहीं करेगा अच्छे से तो हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुल नहीं होगा फिर ऐसा होगा कि बच्चा लॉक का ऑर्डर दे रहा है उसको ऑडिट का लिंक मिल रहा है फिर ऐसा हो रहा है कि जो मेल आईडी है उसके अंदर लिंक गया ही नहीं तो यह जरूरी है कि वो इंटरफेस होना चाहिए सिस्टम के साथ जैसे आज भी हम इंटरफेस में थोड़ा बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट हाउ टू मेक द इंटरफेस बेटर एक्सपीरियंस मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि उनका जो आई सिस्टम है वो इन हाउस है या पैकेज है या उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है फिर आईटी जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंप्लीमेंट करती है ना तो आईटी के अंदर की पर्सन होते हैं रोल्स डिफाइन किया होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक होता है एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बंदे होते हैं आईटी में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक बंदा होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरा बंदा होता है एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है तो मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहा हूं और वो ऑटोमेटेड इन्वायमेंट में काम कर रही है तो मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ना कि हु सी आई ओ हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत सिंपल है आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ऑटोमेटेड इन्वायमेंट की अंडरस्टैंडिंग में आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे यानी कि ऐसे 315 सौ का एप्लीकेशन लग रहा है बट ऑटोमेटेड इन्वायमेंट के रिस्पेक्ट में आप किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है मैं इफॉर्मेशन सिस्टम का परपज की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का परपज है वो क्या है फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है मैं देखूंगा वट इज द लोकेशन ऑफ आई सिस्टम लोकल है या ग्लोबल है मैं देखूंगा उनका आर्किटेक्चर क्या है सेंट्रलाइज्ड है ब्रांच बेस्ड है टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो डेस्कटॉप बेस्ड है क्लाइंट सर्वर है है वेब एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड है इनके मतलब आपको नहीं समझने वर्जन कौन सा है क्या सेम वर्जन ऑफ आईटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है क्या उनका आईटी टी सिस्टम के साथ अच्छे से इंटरफेस करता है उनका आईटी सिस्टम इन हाउस है या पैकेज है या फिर आउटसोर्स है अगर आउटसोर्स है तो आई टी सपोर्ट किसको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल हमारा भी आई टी आउटसोर्स है हमारा इन हाउस नहीं है हमारा पैकेज भी नहीं है हमारा आउटसोर्स है तो कोलकाता के अंदर एक टीम है जिनको हमने क्या कर रखा है आई टी आउटसोर्स कर रखा है और उनका स्टाफ ही हमारा आई टी देखता है सो so, ऑडिटर को क्या करना है अंडरस्टैंडिंग लेना है की पर्सन कौन है सी आई ओ कौन है सी आई एसओ कौन है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप ऑटोमेटेड इन्वॉरमेंट को ऑडिट करोगे तो आपको किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आई बिलीव इट इज क्लियर ठीक है उसके बाद देखना आई रिस्क का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिस्क क्या क्या है देखो कोई भी चीज का ना सिर्फ बूंद नहीं होता उसके एक रिस्क भी होता है अब आई टी के हमने इतने बेनिफिट्स गिन लिया कि आई टी से ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा सब चीजें फास्ट हो जाएंगी सब चीजें इंस्टेंट हो जाएगा सिक्योरिटी अच्छा हो जाएगा कितना बेनिफिट हमने गिनती कर लिया बेटर सिक्योरिटी बेटर कंट्रोल्स बेटर इंटरकनेक्टिविटी फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगा बिजनेस प्रोसेसिंग अपने आप हो जाएगा कितना बेनिफिट डिस्कस कर लिया लेकिन साथ ही साथ इन बेनिफिट्स के साथ आईटी लेकर आता है काफी सारे रिस्क क्या रिस्क है भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लें तो आप सबको पता है कि बैंक ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है बैंक ने हमारा कितना आसान बना दिया है लेकिन का भी तो उतना ही रिस्क है ना आपका जो पिन नंबर है आपका जो डेबिट कार्ड नंबर है अगर आपने गलती से भी किसी को दे दिया तो आपके बैंक से सारे के सारे पैसे उड़ जाए उसका भी तो उतना ही रिस्क है आजकल कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे है? फोन आता है आप दो सौ रुपए का पेमेंट कर दीजिए आपको दस हजार की लॉटरी मिल जाएगी फोन आता है कुरियर की डिलीवरी आपकी पेंडिंग है एक रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन लोग सोचते हैं ठीक है यार एक रुपए का पेमेंट करना है कुरियर आ जाएगा घर पे लोग सोचते हैं अरे यार दो सौ रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करके मैं दस हजार का लॉटरी जीत रहा हूं ट्राई करके देख लेता हूं फिर उनके पास एक क्यू आर कोड आता है आप क्यू आर कोड को स्कैन करो पे कर दो यूजर क्यू आर कोड को स्कैन करता है पे कर देता है उतने में उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो जाता है क्या है ये आईटी रिस्क क्या है ये आईटी रिस्क अगर डाटा गलत हो गया आईटी में क्या होता है डाटा बेस फिल्ट्रेशन होता है पूरा का पूरा पूरा डाटा बेस फिल्ट्रेशन होता है लेकिन अगर डाटा गलत हो गया तो सोचो क्या होगा सब कुछ गलत निकलेगा सब कुछ गलत निकलेगा जब हमने स्टार्टिंग में वो लिंक सेट करने होते हैं कि हाँ भाई संजीवनी लॉ का ये लिंक रहेगा संजीवनी ऑडिट का ये लिंक रहेगा सोचा अगर वहां पे डाटा हमने गलत फिड कर दिया गलती से तो जितने हजारों स्टूडेंट्स हैं सबके पास गलत क्लासेस पहुंच जाएंगे सोचा सोचो अगर गलती से हमने वहां रेगुलर क्लासेस का लिंक डाल दिया तो जितने हजारों स्टूडेंट्स हैं जो संजीवनी परचेज कर रहे हैं उनको रेगुलर क्लासेस का लिंक पहुंच जाएगा जबकि संजीवनी की कॉस्ट कितनी थी पंद्रह सौ रुपये और कॉस्ट कितना था दस हजार रूपये तो वो क्या है आईटी रिस्क है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंप्लीमेंट करना आईटी में थोड़ा सा difficult होता है technical होता है। है। है वो एक IT risk है। IT system के अंदर ऐसा हो सकता है कि hacker आपके आपके को को कर कर दे, आपके data को alter कर दे। तो hacker अगर आपके सिस्टम को ऑल्टर कर, कर देता है तो आपका डाटा इनएकोरेट हो जाता है वो एक आई रिस्क है इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हैकर ने आपके सिस्टम को हैक कर दिया और हैक करने के बाद आप खुद ही अपने सिस्टम में चेंजेस नहीं कर पा रहे हो

मेरी जितनी भी ओरिजिनल क्लासेस हैं वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में रखा है अगर मैंने किसी को अनऑथराइज एक्सेस दे दिया वो अपने एक्सेस का गलत इस्तेमाल करता है मेरे सारे ओरिजिनल क्लासेस निकाल लेता है और सोचो वो सारे ओरिजिनल क्लासेस लिख कर देता है उसको डिलीट कर देता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है तो वो भी क्या है आई रिस्क है है ना हैकर ने क्या किया हैकर ने जितने भी मेरे ओरिजिनल क्लासेस रखे थे जो मैंने मेहनत करके बहुत मेहनत करके तीन चार महीने लगा कर रिकॉर्ड करे थे सबको डिलीट कर दिया सबको डिस्ट्रॉय कर दिया मेरा डाटा लॉस हो गया ए बिग आइटर मैंने एक्सेस नहीं दिया उसे लेकिन हैकरा हो चाहिए होता है उसने अनऑथराइज वे से एक्सेस ले लिया मेरे सिस्टम के अंदर अनऑथराइज वे में एक्सेस लेकर उसने क्या कर दिया लेट अस से फॉर एग्जांपल सोचो रिस्क क्या क्या हो सकता है अनऑथराइज वे में एक हैकर ने मेरे सिस्टम में एक्सेस ले लिया और जो मेरे ऑडिट लॉ के वीडियोस थे ना बीच बीच में उसने क्या किया कि ऑडिट लॉ के वीडियोस को हटाकर कुछ अलग वीडियोस डाल दिए कुछ अलग प्रकार के डाल दिए राइट और सोच के देखो कि जब स्टूडेंट वहां पे वीडियोज प्ले कर रहा है उसको ऑडिट लॉ के विडियोज प्ले नहीं हो रहे कुछ और ही प्ले हो रहा है सोचो क्या होगा मेरे रेपुटेशन का क्या होगा मेरे गुडविल का क्या होगा क्या है वो आई रिस्क है एक हैकर ने अनऑथराइज एक्सेस लिया डाटा का चीजें ऑल्टर कर दी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी मेरा लॉस ऑफ डाटा हो गया उसने अनऑथराइज्ड चेंजेस कर दिए मेरे प्रोग्राम्स में ये सारा क्या है आईटी रिस्क है तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस आईटी रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी रिस्क क्या क्या है तो टे अंडरस्टैंड लॉजिकली अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा आई रिस्क है एक्सेसिव एक्सेस किसी को दे दिया या प्रिवलेज एक्सेस दे दिया सुपर यूजर्स जिसको कहते हैं वो भी एक आई रिस्क है अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स हैकर आता है अनऑथोराइज एक्सेस लेता है और अनऑथोराइज चेंजेस कर देता है वो भी एक आईटी रिस्क है मेरा डाटा का लॉस हो जाना ये भी एक आईटी रिस्क है इन एक्रेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन एक्क्यूरेट डाटा और बोथ ये भी आईटी रिस्क है बिकॉज यार पहले फाइल्स मैनुअली होता था आज के टाइम में सारे के सारे रिकॉर्ड सिस्टम में होते हैं लेकिन अगर वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा तो जिंदगी भर का कमाई खत्म हो गया लॉस ऑफ डेट आईटी रिस्क है ना डायरेक्ट डाटा चेंजेस बैक एंड चेंजेस आईटी रिस्क है फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है सारा का सारा किसने क्या क्लास परचेज रहा है बैक एंड से जाकर किसने सारा रिकॉर्ड चेंज कर दिया जिस बंदे ने क्लासेस परचेज नहीं करा तो उन लोगों का नाम भी डाल दिया उन बंदों से पेमेंट आधे ले लिए बोला कि मैं तुम्हें क्लासेस दिलवा दूंगा एट फिफ्टी परसेंट ऑफ प्राइस तो आई टी रिस्क है लैक ऑफ एडिक्यूट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आई टी के अंदर सेग्रीगेशन करना मुश्किल हो जाता है फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स एक जो जेन्युइन यूजर है जिसका खुद का डाटा है वो खुद ही क्या नहीं कर पा रहा चेंजेस नहीं कर पा रहा अपने सिस्टम्स में चेंजेस नहीं कर पा रहा अपने प्रोग्राम्स में तो वो भी क्या है आईटी रिस्क है अब आईटी का रिस्क जो या आईटी का जो रिस्क है इसका ऑडिट में क्या इंपैक्ट है बिकॉज अल्टीमेटली हम तो ऑडिटर्स है ना तो जो मेन सवाल हमारे ऊपर लागू होता है कि आई रिस्क का ऑडिट में क्या इंपैक्ट है लॉजिकली सोचो कि आई रिस्क का ऑडिट में क्या इंपैक्ट है वो जो पांच पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना कि आईटी से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है आईटी को जब आप एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट कर लोगे तो क्या होगा उसे से सारे आंसर्स निकल जाएंगे सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो रहे थे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रहे थे अपने आप हो रहा था सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट था और उस पर रिलाई करते थे है ना तो सोच के देखो अल्टीमेटली रिपोर्ट क्या हो रहा है सिस्टम जनरेटेड हो रहा है रिपोर्ट क्या हो रहा है सिस्टम जनरेटेड हो रहा है लेकिन सोच के देखो रिपोर्ट तो सिस्टम जनरेटेड है एज ए ऑडिटर मैंने भी कौन सा रिपोर्ट पर रिलाई किया मैंने उस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट पर रिलाई किया है फॉर एग्जाम्पल डाटा रेजिंग रिपोर्ट मैं मैनुअली नहीं बना रहा मैं सिस्टम से निकाल रहा हूँ बैलेंसडल सिस्टम से निकल रहा है रेशियो एनालिसिस सिस्टम से निकल रहा है अब सोच के देखो अगर मैनेजमेंट ने डाटा ही गलत डाला था मैनेजमेंट ने डाटा का रिकॉर्ड ही गलत डाल दिया था तो वहां पे जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है वो भी तो गलत जनरेट हो रहा है लेकिन मैं तो उसी रिपोर्ट को यूज कर रहा हूं जो सिस्टम जनरेट करके दे रहा है है ना तो मैं तो उसी रिपोर्ट को यूज कर रहा हूं जो सिस्टम जनरेट करके दे रहा है और वो रिपोर्ट ही मैनोपलेटेड है तो सोच के देखो वहां पे तो मेरा ऑडिट बहुत बड़े रिस्क में है बिकॉज मैं गलत रिपोर्ट्स पर अलाई कर रहा हूं पूरा का पूरा तो एक बहुत बड़ा आईटी रिस्क है उसके बाद सब जो भी कैलकुलेशन हो रही है जो भी कंट्रोल्स हो रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है जीएसटी कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो रही है लेकिन आई के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है पता है क्या कोई चीज अगर सही तरीके से कैलकुलेट हो रही है सही तरीके से प्रोसेस हो रही है बहुत अच्छी बात है वो सारे बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे से इंटीग्रेट कर देगा सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ बहुत फास्ट होगा लेकिन अगर वहां पे इनपुट गलत डल गया अगर वहां पे इनपुट गलत डल गया तो वहां प्रोसेसिंग भी गलत होने वाला है वहां कैलकुलेशंस भी गलत होने वाले हैं यानी सेल्स की फिगर भी हो सकती है गलत निकल कर रहा है हो सकता है जीएसटी का कैलकुलेशन भी गलत निकल कर आए जीएसटी भी गलत चला जाए एज ए ऑडिटर हम भी उस ऑटोमेटिकल कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं हम भी क्रेडिट हम भी जब क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर को चेक कर रहे हैं तो सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं कि कहीं कंपनी ने वैसे कस्टमर्स को लोन तो नहीं दे दिए जिनका क्रेडिट लिमिट खत्म हो गया है तो हम कौन सा मैनुअली चेक कर रहे हैं हम भी तो सिस्टम सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं हम भी तो ऑटोमेटेड कैलकुलेशन पर रिलाई कर रहे हैं हम भी तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं तो सोच के देखो कि यार अगर वहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स ही गलत है तो मेरा का तो पूरा ऑडिट गलत हो जाएगा तो हम आग बंद करके ऑटोमेटिक कंट्रोल पर रिलाई नहीं कर सकते वहां भी हमें चेक करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जीएसटी सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा था तो हमने उसी पर रिलाई कर लिया पहले मैनुअली भी हमें सैंपल बेसिस में कुछ सेल्स निकालने होंगे सेल्स के अंदर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होगा हमारे खुद के आईटी टूल्स होते हैं उन आईटी टूल्स को यूज करके हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो फिगर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं

तो 100% एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि तो वहां पे क्या होता है कि हम नहीं दे पाते। हम नहीं दे पाते। काफी बार ऐसा होता है कि अपने मॉडिफाई करना पड़ता है दैट इज ऑल्सो इन रिस्क दिस इंपैक्ट ऑफ रिस्क इन ऑडिट की रिस्क का ऑडिट में कि हम सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट पर अलाय कर रहे हैं। हो सकता है सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स गलत हो हम ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पर रिलाई कर रहे हैं हो सकता, रहे तो हम करना पड़ेगा। और उसका इंपैक्ट यह भी है, कि काफी बार अपने को करना पड़ता है। तो फर्स्टली वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डाटा ऑप्टेन सिस्टम वेयर सच रिस्क एग्जिस्ट दिस मीन ऑल फॉर्म ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट दैट वी ऑप्टेन फॉर सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिट टेस्टेड

So क्लियर है सो अगेन हमारा ये नेक्स्ट कैटेगरी था काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी था रेलिवेंस ऑफ आई इन ऑडिट कौन से सिचुएशन है जिसमें आई टी रेलिवेंट रहेगा हमारे ऑडिट के लिए अब कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि समझना बहुत आसान है बट याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली अगर वो आपको पूछता है कि आईटी का क्या रेलिवेंस ऑडिट में तो आपको ये पांच पॉइंट ही बताने हैं अगर आपको पूछ रहा है कि कौन से सिचुएशन में आई टी ऑडिट में रेलिवेंट रहेगा तब आपको ये बताना है जब सिस्टम एप्लीकेशन ज्यादा यूज हो रहा है जहा पे नेटवर्किंग सिस्टम यूज हो रहा है बिजनेस का नेचर ही वैसा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है आई से हमारे सिस्टम का एफिशियसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है हमारे ऑडिट का आपसे वो पूछता है कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो बताओ किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे तब ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे राइट आई टी रिस्क क्या क्या है तो ये सारा कुछ आ जाएगा और आई टी रिस्क का इंपैक्ट ऑडिट में क्या है तो ये तीन पॉइंट्स आएंगे कि पहला इंपैक्ट ये है कि हम रिलाई नहीं कर पाएंगे ऑन द डेटा ऑप्टेन फ्रॉम द सिस्टम जहां पे भी वो रिस्क एग्जिस्ट कर रही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा थॉरली टेस्ट करना पड़ेगा सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स को सेकेंडली हम ऑटोमेटिक कंट्रोल्स में रिलाई नहीं कर पाएंगे हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा और तीसरा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से टू रिपोर्ट ऑन आई काफी बार मुझे अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा आई बिलीव इट इज क्लियर ठीक है तो जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर है उससे पहले अभी तक जितना भी करा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अब देखना जो अपना अगला टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड इन्वायमेंट कि ऑटोमेटेड इन्वायमेंट के अंदर कितने तरीके के कंट्रोल्स होते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है देखना ऑटोमेटेड इन्वरॉनमेंट के अंदर तीन तरीके का कंट्रोल होता है एक होता है जनरल कंट्रोल्स दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स और तीसरा होता है आई डिपेंडेंट कंट्रोल्स ठीक है बहुत सिंपल है बहुत आसान है ध्यान से सुनना आप खुद लिख पाओगे एग्जाम के अंदर तो सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स जनरल कंट्रोल्स क्या होता है और दूसरा क्या है सर एप्लीकेशन कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होता है देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इन जनरल लगता है और कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए लगता है तो जो जनरल कंट्रोल्स होता है ना जो कॉमन सेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए लगता है राइट उसको कहा जाता है जनरल कंट्रोल्स और जो कंट्रोल किसी एप्लीकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली लगता है उसको कहा जाता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मान लीजिए कि जब कंप्यूटर सिस्टम को आप लॉग इन करते हो तो कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपसे क्या मांगता है आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है आप जब आईडी डाल देते हो आप जब पासवर्ड डाल देते हो तभी वो आपको एक्सेस देता है अब वो जो कंप्यूटर वो जो कंट्रोल है वो क्या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर लगा हुआ है नहीं दैट इज नॉट अपॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन दैट इज इन द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम कि जैसे ही आपने लॉग इन करा उसने आपसे आईडी डी आपने पासवर्ड पासवर्ड मांगा आपने जैसे ही आईडी एंटर कर दिया पासवर्ड एंटर कर दिया मतलब वो समझ गया कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है इसको ऑथराइज किया हुआ है और उसके बाद ही उसने आपको एक्सेस दिया तो इससे क्या हुआ कि जो डाटा की सिक्योरिटी है जो डाटा की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि अगर मैंने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं लगाया तो कल को कोई भी बंदा आएगा कंप्यूटर को खोलेगा और मेरे डाटा को मैनिपुलेट कर देगा मेरे डाटा को डिलीट कर देगा लेकिन अगर मैंने वहां पे आईडी पासवर्ड लगा दिया तो क्या हुआ मैं वो आईडी पासवर्ड सबको तो दूंगा नहीं मैं वो आई पासवर्ड उन लोगों को दूंगा जिन पर मुझे भरोसा है राइट right? तो अल्टीमेटली वाट आई एम डूइंग इज आई एम एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ओवरऑल डाटा आई एम एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ओवरऑल डाटा बट ये जो कंट्रोल लगा ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम में एज ए होल लगा है सारे एप्लीकेशन के लिए एज ए होल लगाए मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होंगे जितने भी एप्लीकेशन होंगे है PDF, है पीडीएफ जो भी है सबके लिए एज ए होल लगा है कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते क्या चाहिए लॉग इन आई पासवर्ड चाहिए तो वो क्या हो गया जनरल कंट्रोल्स हो गया जिसका पर्पज है टू एनहेंस द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा लेकिन अगर यहां पे मैंने कोई एप्लीकेशन के स्पेसिफिक कंट्रोल लगाया होता कि फॉर एग्जांपल मैंने टैली के रिस्पेक्ट में कंट्रोल्स लगाए हैं मैंने टैली के अंदर यूजर एक्सेस डिफाइन कर दिया कि टैली को कौन कौन यूज कर पाएगा टैली के अंदर किसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस होगा तो वो क्या हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल्स के कैटेगरी में चला गया ठीक है ना तो अगर मैंने एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल लगाया तो वो है एप्लीकेशन कंट्रोल्स और अगर मैंने एक जनरल कंट्रोल लगाया कंसिडरिंग ऑल द एप्लीकेशन द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम द एंटायर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो कंट्रोल क्या होता है जनरल कंट्रोल्स होता है बहुत ज्यादा सिंपल है तो देखना सबसे पहले जनरल कंट्रोल्स व्हाट डू मीन बाय जनरल कंट्रोल्स अगर आपसे कोई पूछे इट इज द बेसिक बेसिक कंट्रोल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू आईटी सिस्टम्स सच एज एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेटा एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो जनरल कंट्रोल्स क्या हो गया ये बेसिक कंट्रोल्स हो गए जो अप्लाई किया जा सकता है टू आईटी सिस्टम्स जैसे कि एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस सपोर्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव क्या है

जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि सिस्टम के अंदर जैसे सिस्टम ऑन हुआ मैंने यूजर आई सेट कर दिया मैंने पासवर्ड सेट कर दिया वो क्या हो गया जनरल कंट्रोल हो गया बहुत आसान है उसके बाद होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स का मतलब होता है कंट्रोल्स ओवर आईपीओ कंट्रोल्स ओवर आईपीओ व्हाट इज आईपीओ कंट्रोल्स ओवर द इनपुट कंट्रोल्स ओवर द प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल्स ओवर द आउटपुट देखो आई टी सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं सर आई टी सिस्टम के अंदर तीन चीजें होती हैं कौन सी तीन चीजें होती हैं एक इनपुट जो आप डाटा एंटर कर रहे हो ठीक है आप जो डाटा एंटर कर रहे हो फॉर की फिगर्स आपने एंटर करी सेल्स की फिगर आपने एंटर करी तो आपने इनपुट डाला वो इनपुट करेक्ट होना चाहिए अगर वहां परचेज का फिगर ही गलत है अगर वहां सेल्स का फिगर ही गलत है तो आगे प्रोसेसिंग गलत होने वाला है आपने जैसे परचेज का फिगर डाला सेल्स का फिगर डाला वो प्रोसेस होगा अलग अलग रिपोर्ट बनकर जनरेट होंगे वो प्रोसेस होगा पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेशन वगैरह वो परफॉर्म होंगे दैट विल बी प्रोसेस्ड प्रोसेसिंग भी एरर फ्री होनी चाहिए और फिर जो आउटपुट निकलेगा जो रिपोर्ट निकलेगा वो आउटपुट भी सिर्फ उन लोगों के पास ही जाना चाहिए जिनको आप देना चाहते हो फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट रिपोर्ट बनकर निकल रही है तो एक कॉस्ट रिपोर्ट कभी भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं हो सकता वो कॉन्फिडेंशियल है राइट दैट इज कॉन्फिडेंशियल अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है जो मैंने क्लास रिकॉर्ड करा जो मैंने क्लास रिकॉर्ड करा वो क्या हो गया इनपुट या फिर लैट से मैंने जो बुक बनाई तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बुक का वर्ड फाइल मैं बनाता हूं उसके बाद मैं डिजाइनर को देता हूं फिर डिजाइनर उसे डिजाइन करता है और फिर वो आप तक पहुंचता है दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क ठीक है तो अब जब मैंने बुक डिजाइन करा वो क्या हो गया जब मैंने बुक डिजाइन करके जब मैंने बुक के अंदर कंटेंट लिख कर डिजाइनर को दिया वो क्या हो गया इनपुट हो गया इनपुट क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए इनपुट एरर फ्री होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए वैलिड होना चाहिए अगर मैंने ही वहां पे नोट्स गलत बनाए हैं और नोट्स गलत बनाकर आगे डिजाइनर को फॉरवर्ड किया है तो आगे डिजाइन डिजाइनिंग भी गलत ही होगा और जो आउटपुट निकलेगा वो भी गलत ही होगा दूसरा होता है प्रोसेसिंग कि मैंने तो मान लो कंप्लीट डाटा डिजाइनर को दे दिया एक्यूरेट डाटा डिजाइनर को दे दिया लेकिन आगे अब डिजाइनर क्या कर रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है तो वहां पर सपोज उसने गलतियां कर दी मैंने एक क्वेश्चन के पांच पॉइंट्स दिए थे दूसरे क्वेश्चन के भी पांच पॉइंट्स थे उसने पहले क्वेश्चन के पांच पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया दूसरे क्वेश्चन के पांच पॉइंट पहले क्वेश्चन में डाल दिया दोनों क्वेश्चन की वहां पे हेडिंग सेम रख दी एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वहां पे क्या हो गया प्रोसेसिंग के वक्त एरर हो गया तो वो भी नहीं होनी चाहिए प्रोसेसिंग बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए ध्यान रखना है कि जिस तरीके से इनपुट आया था मेरे को उसी तरीके से प्रोसेस करना है और फिर वो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा अब वो नोट्स हर किसी के हाथ में पहुंचनी नहीं चाहिए वो नोट्स सिर्फ उन बच्चों के हाथ में पहुंचनी चाहिए जिन्होंने क्लासेस परचेस कराए या बुक्स परचेज कराए तो ये क्या हो गया आउटपुट हो गया ये एक मैनुअल कंट्रोल का एग्जाम्पल था सिमिलरली ऑटोमेटिक कंट्रोल का भी एग्जाम्पल होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन कीज देने हैं बच्चों को तो उसके लिए पहले मैं सिस्टम में इनपुट डालूंगा बच्चों का डाटा डालूंगा वो बच्चों का डाटा सही होना चाहिए राइट right. या फिर अगर मैंने ऑटोमेट करा है तो जो भी लिंक है जो लिंक मेरा प्रोडक्ट का होगा वो डालूंगा वो सही होना चाहिए अगर वो लिंक गलत हो गया तो आगे प्रोसेसिंग भी गलत होगा तो पहला इनपुट सही होना चाहिए इनपुट कंप्लीट होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए आईटी टीम जो भी मांग रही है सब कुछ मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा बराबर से इंटीग्रेशन के लिए आईटी टीम काफी सारा इंफॉर्मेश मांगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कितने कॉलम्स हैं जब स्टूडेंट परचेज करता है तो कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट से लेते हो तो वो सारा अपने आई टी टीम को देना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके इंटीग्रेट कर सके फिर प्रोसेसिंग एर फ्री होनी चाहिए कि अब जब एक्टिवेशन किस जा रहा है वो सही जानी चाहिए और आउटपुट सही बच्चों तक पहुंचनी चाहिए तो ये क्यों? क्या हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो गया

अब यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टडी मेटेरियल के अंदर जैसे कि एडिट चेक्स वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा यूजर लिमिट चेक्स रिजनेबलनेस चेक मैंडेटरी डाटा फील्ड तो ये पांच एग्जाम्पल दिए हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के पांच एग्जाम्पल दिए हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स के आपके स्टडी मेटेरियल में दैट इज कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे एडिट चेक्स वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा यूजर लिमिट चेक्स रिजनेबलनेस चेक्स एंड मैंडेटरी डाटा फील्ड्स। Although आपको सिर्फ नाम याद रखना है बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं आपको कि क्या यूसेज है इसका प्रैक्टिकली फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा क्या है फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूजर का आपने एक यूजर का फोन नंबर लिया तो हम बच्चों के क्या करते हैं फोन नंबर लेते हैं कि आपको अपने रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में क्या करने होंगे अपने फोन नंबर डालने होंगे अब फोन नंबर कितने डिजिट का होता है दस डिजिट का होता है तो अगर बच्चा वहां पे बारह डिजिट डाल रहा है या अगर बच्चा वहां पे नौ डिजिट डाल रहा है तो हमारा सिस्टम उसे लेगा ही नहीं बिकॉज वहां पे इनपुट को वैलिडेट नहीं कर पा रहा कि जो इनपुट डाला है वो सही है कि नहीं है राइट कैन बी फॉर फोन नंबर के अंदर अगर वो अल्फाबेट डाल रहा है अपना नाम डाल रहा है तो हमारा सिस्टम लेगा ही नहीं बिकॉज फोन नंबर के अंदर तो नंबर आना चाहिए अल्फाबेट तो आना ही नहीं चाहिए तो यहां पे क्या हो गया वैलिडेशन ऑफ इनपुट ठीक है एडिट चेक भी वैलिडेशन ऑफ इनपुट ही है लेकिन वो प्रोसेसिंग स्टेज में है कि प्रोसेसिंग स्टेज के वक्त भी सिस्टम चेक करेगा कि चीजें बराबर है कि नहीं है ठीक है उसके बाद होता है यूजर लिमिट, चेक्स। अब यूजर लिमिट चेक्स क्या होता है? चेक फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गे पांच सौ एम्प्लॉय पांच सौ अलग सैलरी है ठीक है अब क्या पांच सौ एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल रखना पॉसिबल है किसी के लिए नहीं है मैंने एक यूजर लिमिट सेट कर दी फॉर एग्जाम्पल जो लेबर क्लास है जो हमारे यहाँ पे लेबर क्लास काम करता है मान लो लेबर में दो सौ लोग काम करते हैं उनकी एक मैक्सिमम सैलरी फिक्स कर दी कि मान लो एक दिन के अंदर मैक्सिमम रामेशन कभी इनको जा सकता है तो पांच सौ रुपए प्रति दिन जा सकता है कि नॉर्मली उनको टू हंड्रेड रुपीज पर डे पे किया जाता है या थ्री हंड्रेड रुपीज पर डे पे किया जाता है लेकिन कभी उन्होंने ओवर टाइम कर लिया कभी कुछ बोनस देना है तो उस हिसाब से मैक्सिमम पांच सौ रुपए पर डे पे पेमेंट होगा उसके ऊपर नहीं होगा तो अब जो पेमेंट हो होता है सर ऑनलाइन ही होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहां पर एक रेंज चेक लगा दिया सॉफ्टवेयर के अंदर कि फाइव हंड्रेड रुपीज पर डे से ज्यादा पेमेंट एक एम्प्लॉय को जा ही नहीं सकता

उसके पास अगर कोई लिमिट ना हो वो जितने चाहे उतने एक्टिवेशन जनरेट कर सकता है तो क्या होगा उसके जान पहचान के जो रिश्तेदार होंगे मिलेगा जब 100 एक्टिवेशन हो जाएंगे आप मुझे हंड्रेड यूजर्स का डाटा दिखाओगे फिर आपको अगले हंड्रेड एक्टिवेशन कीज का एक्सेस मिलेगा तो वो क्या हो गया यूजर लिमिट चेक हो गया उसके बाद होता है रीजनेबलनेस चेक रीजनेबलनेस चेक का मतलब क्या हो गया रिजनेबलनेस चेक का मतलब यहां पे दो फील्ड कंपेयर किया जाता है वट डू मीन कि दो फील्ड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल लेटर से के अंदर ले लेते हैं कि Amazon के अंदर जब में आपकी डिटेल्स मांगता है तो मान लो लेटस से आपने अपना नाम डाला अपना फोन नंबर डाला अपना एक एड्रेस डाला लेकिन जब आप डिस्पैच एड्रेस डाल रहे हो तो आपका जो डिस्पैच एड्रेस है वो अलग है फ्रॉम द फर्स्ट एड्रेस तो एमेजोन आपसे कंफर्म करेगा कि देखो आपका शिपिंग एड्रेस है या आपका डिस्पैच एड्रेस है दोनों तो अलग अलग है आपसे वो कंफर्म कर रहा है सिस्टम को डाउट हो रहा है अरे यार इसने स्टार्टिंग में तो अलग एड्रेस डाला था अभी अलग एड्रेस डाला है के वक, तो हो सकता है कि बिलिंग एड्रेस अलग हो सकता है कि डिस्पैच एड्रेस अलग हो यूजर से कंफर्म करता है वो क्या होता है रिजनेबलनेस चेक वो अपना लॉजिक लगाता है आपने एक ही फॉर्म के अंदर एक जगह अपना नाम सानिध्य सराफ लिख रहे हो और दूसरी जगह लैडर से अपना नाम सानिध्य अग्रवाल लिख रहे हो तो वो लेगा नहीं क्यों आपने पहली जगह सानिध्य सराफ लगा लिया हुआ था तो आपने अगर लगाया सानिध्य सराफ था तो दूसरी जगह भी वो सानिध्य सराफ ही मांगेगा वो क्या हो गया रिजनेबलनेस चेक दो फीड्स को कंपेयर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने आईसीआई के अंदर पहले जब इन्फॉर्मेशन भरा तो कुछ और भरा बाद में कुछ और भर रहे हो तो अगर उनका रीजनेबलनेस चेक होगा तो वो लोग इंश्योर कर लेंगे कि वो दो फील्ड सेम आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है एक डायरेक्टर है तो वो अपना डीन नंबर अगर दस संस्था में दे रहा है दस बार दे रहा है आरोसे को तो वो एक रीजनेबलनेस चेक होना चाहिए वहां पे कि वो डीन नंबर हर बार सेम दे रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं हर बार अलग अलग नंबर दे रहा है तो वो क्या होता? होता है रीजनेबलनेस चेक होता है एंड उसके बाद होता है मैंडेटरी डाटा फीड्ड जैसे कि फॉर काफी बार क्या होता है कि वो आपसे कुछ मैंडेटरी डाटा फील्ड मांगता है कि ये इन्फॉर्मेशन भरना मैंडेटरी है जब तक आप ये इंफॉर्मेशन नहीं भरोगे अपना पैन नंबर नहीं भरोगे अपना या फलाना इंफॉर्मेशन नहीं दोगे हम आपको आगे जाने नहीं देंगे प्रोसीड नहीं करने देंगे तो वो मैंडेटरी डाटा फील्ड होता है कि दिस इज समथिंग यू हैव टू फुलफिल आप काफी जगह उनसे क्लासेस परचेस करते हो तो वो आपसे मांगते हैं उनका जो सिस्टम होता है उनका जो सॉफ्टवेयर होता है आप जब वेबसाइट से परचेसिंग करते हो वो आपसे ई आर ओ एनआरओ नंबर मांगते हैं और जब तक आप नहीं डालोगे वो आपको परचेज करने नहीं देगा तो वो क्या हो गया मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया काफी बार ऐसा होता है कि जब तक आप मेल आई नहीं भरोगे जब तक वो मेल आई ऑथेंटिकेट नहीं करेगा वो आगे जाने नहीं देगा वो बोलेगा दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड यू हैव टू फिल इट तो वो क्या हो गया मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया तो ये सारा अलग अलग प्रकार का एप्लीकेशन कंट्रोल्स होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमबिल्ड किया जाता है वैसे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के भी काफी सारे कैटेगरी हो सकते हैं जैसे इनपुट कंट्रोल्स प्रोसेसिंग कंट्रोल्स बाउंड्री कंट्रोल्स आउटपुट कंट्रोल्स अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं बट एज सच वो हमारे ऑडिट पर्पज के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है ठीक है ना अगर आपका तो आई टी का पेपर होता है ई आई एस का पेपर होता है एस एम का पेपर होता है इसका का होता तो वहाँ रेलिवेंट सकता वो इनपुट कंट्रोल क्या होता है आउटपुट कंट्रोल क्या होता है बाउंड्री कंट्रोल क्या होता है बट हमारे लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है अपने को तो ओवरऑल पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या क्या है ठीक है

और इसके एक्साम्पल्स आप लेके जरूर आओगे एग्जाम में कि एडिट चेक्स हो गया वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा हो गया यूजर लिमिट चेक हो गया रिजनेबलनेस चेक हो गया मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया वो आपसे केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म भर रहे हो आप और उसके अंदर कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी मांग रखा है तो बताओ ये कौन सा कंट्रोल है आप पहले अपना नाम कुछ और डाल रहे थे बाद में नाम कुछ और डाल रहे हो सिस्टम ले नहीं रहा बताओ ये कौन सा कंट्रोल है तो वो आपसे इस तरीके से भी सवाल कर सकता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है या जनरल कंट्रोल है

तो वो जो रिपोर्ट है वो तो सिस्टम जनरेटेड है बट उसमें जो कंट्रोल्स होगा वो मैनुअली अप्लाई करूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा डेटर रिपोर्ट के अंदर कि अप्रूवल है कि नहीं सिग्नेचर्स प्रॉपर है कि नहीं वो मैनुअली चेक करूंगा बट वो क्या है सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है जो आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जहां पे क्या होता है मैनुअल कंट्रोल्स हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन आईटी आईटी का एप्लीकेशन यूज हो रहा है आईटी का क्या यूज हो रहा है सिर्फ एप्लीकेशन यूज हो रहा है

तो ये क्या होता है अगेन दिस सिस्टम टू एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर डेवलप्ड कॉन्फिगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टि आईपीओ पे लगता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकता है ऑपरेट करता है एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल इसका एग्जाम्पल दिया है जैसे कि ई आर पी सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो कंट्रोल जो आप ईरपी के ऊपर लगाते हो टैली के ऊपर लगाते हो टू एंश्योर द द्लीटनेस एक्यूरेसी इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन द सिस्टम एंड अगेन इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं दट इंक्लूड्स एडेट चैक्स वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा सीक्वेंस नंबर चैक्स यूजर लिमिट चैक रीजनेबलनेस चैक्स मैंनेटेड डेटा फीड्स आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब मैनुअल कंट्रोल्स हैं जो आई टी को यूज कर रहे हैं है ना तो कंट्रोल यहाँ पे मैनुअली परफॉर्म किया जा रहा है बट जो रिपोर्ट है वो आई टू आई टी के थ्रू जनरेट हो रहा है और फिर यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में क्या डिफरेंस है तो आप आराम से रेफर कर सकते हो जब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज जनरल आईटी कंट्रोल एंड व्हाट इज एप्लीकेशन कंट्रोल तो आई बिलीव क्लियर है बहुत सिंपल है तीन तरीके के कंट्रोल्स हो सकते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर केस स्टडी भी आ सकता है एमसीक्यू के ऊपर भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं राइट सो यू कैन प्लीज नोट इट डाउन जो भी सिंप्लिसिटी के साथ हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज टेस्टिंग मैथड ऑफ ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड ऑटोमेटेडमेंट कि हमारा टेस्टिंग मैथड क्या होगा ऑडिट के अंदर इन एन ऑटोमेटेड तो अगेन ऑडिट के अंदर ऑटोमेटेड इनवाइनमेंट के अंदर जो टेस्टिंग का मैथड होगा क्या वो अलग होगा नो आई डोंट थिंक सो जो टेस्टिंग मैथड मैनुअली करते थे नॉर्मली वही यूज होने वाला है बट विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन अब याद करो मैनुअली जब आप ऑडिट कर रहे थे तो कौन कौन से ऑडिट टेक्निक्स आप यूज करते थे ऐसे 500 के अंदर एक फॉर्मुला भी हमने डिस्कस किया था आईसीएर इंस्पेक्शन कंप्यूटेशन रिकल्कुलशन ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स रीपरफॉर्मेंस याद आया तो कितने सारे वो छह सात ऑडिट टेक्निक्स थे लेकिन यहां पे ना उन्हीं सात में से आप चार फिल्टर कर लोगे कि दिस आर द फोर टेस्टिंग मैथड्स ऑफ एन ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वा और वो चार को याद रखने का सिंपल तरीका है दैट इज आर ओ आई

तो पहले क्या हो गया आर से रीपरफॉर्मेंस ओ से क्या हो गया ऑब्जर्वेशन आई से क्या हो गया इंस्पेक्शन और आई से क्या हो गया इंक्वायरी तो अगर आपसे कुछ पूछता पूछता कोई पुछता है एग्जाम के अंदर कि बताओ भैया ऑटोमेटेड के अंदर व्हाट आर द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ ऑडिट क्या क्या टेस्टिंग मेथड्स हैं तो आर ओ वाई आर से रीपरफॉर्मेंस ओ से ऑब्जर्वेशन आई से इंस्पेक्शन एंड अगेन ओ से एंड अगेन क्या हो गया आई से इंक्वायरी अब यहाँ पे लेकिन एग्जाम के अंदर आप जब लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा लिखना होगा थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल लिखना होगा साथ में है ना तो यहां पे देखना थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको लैंग्वेज किस तरीके की लिखनी है थोड़ा सा यहां पे आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड इन्वॉरमेंट सम ऑफ द मोर कॉमन मैथर्स आर एस फॉलोज पहला क्या है आपको करना क्या था इंक्वायरी करना था ऑब्जर्वेशन करना था इंस्पेक्शन करना था अब इसी को क्या लिखा है ऑपटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड आप अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है बाई डूइंग ए वर्क थ्रू ऑफ एंड टू एंड ट्रांजेक्शन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरा ऑडि होता है कि भाई सानिध्य सर किस तरीके से ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं क्लासेस बच्चों तक पहुंचा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि वो जो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन सेट किया है उसका वर्क थ्रू क्या है स्टार्टिंग से एंड तक हमने किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन का फ्लो सेट किया है है ना तो वो वॉक थ्रू ले वॉक थ्रू करेगा अंडरस्टैंडिंग लेगा अच्छा सबसे पहले जो अपना मेटा का वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं फिर किस तरीके से वहां प्रोडक्ट्स का जो डिटेल्स है वो फैच करा होगा किस तरीके से वो आई टीम के पास गई होगी फिर आई टीम ने उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट करा किस तरीके से ऑटोमेशन सेट करा तो उसके कंप्लीट वॉक थ्रू का अंडरस्टैंडिंग वो लेगा यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टेक्निकल टीम के हेड हैं ठीक है तो हमारे जो टेक्निकल टीम के हेड है अविनाश जी तो हमारे ऑडिटर्स क्या करेंगे उनसे इंक्वायरी करेंगे कि आप बताइए कि आपने यहां पे ऑटोमेशन कैसे सेट करा तो दे विल इंक्वायर दे विल इंस्पेक्ट कि आप बताओ आपने कुछ तो फ्लो बनाया होगा कुछ तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा हमें दिखा दो दे विल ऑब्जर्व कि अच्छा कैसे किया था करके दिखाना दे विल देम सेल्फ रिपरफॉर्म द द्लासेज एंड सी हाउ दैट इज वर्किंग सो दैट दस हाउ द थिंग्स विल गो ऑन उसके बाद ऑब्जर्व हाउ यूजर प्रोसेस परचेस करा तब कैसे ऑटोमेशन हो रहा है कॉम्बो परचेस कर रहा तब वो काम कर रहा है कि नहीं तो अलग अलग सिनरियोज में किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है एंड इंस्पैक्ट द कॉन्फिगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन जो कॉन्फिगरेशन सेट करा है एप्लीकेशन में वो सही है कि नहीं कहीं उसकी वजह से कहीं मेरा कॉन्फिडेंशलिटी रिस्क में तो नहीं आ गया राइट right. ट आर दिंग्स ऑडिट इज गोइंग टू डू तो वन टेस्टिंग टेस्टिंग के चार मैथ आई है वो याद हो गया आपको दैट इज रिपर्फॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी इंस्पेक्शन अब थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से लिखना है एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा कि क्या करूंगा मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड कैसे बाई डूइंग ए वर्क थ्रू टेक्निकल वर्ड यूज करना है बाई यूजिंग ए वर्क थ्रू बाई डूइंग ए वर्क थ्रू ऑफ वन एंड टू वन ट्रांजेक्शन उसके बाद अगेन कहा गया कि रिपरफॉर्मेंस आउट ऑफ ऑल दिस टेक्निक रिपरफॉर्मेंसिव है, है. रीपरफॉर्मेंस मतलब पे क्या होगा ऑडिटर दोबारा से सब कुछ करके देखेगा सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं रीपरफॉर्म करके देखेगा However, testing by re-performance could be very time-consuming. Re-performance सबसे सब सब ज़्यादा effective है कि IT team से वक्त थोड़ा समझा सब कुछ खुद से करके देखा लेकिन वो बहुत ज़्यादा time-consuming है. Generally हर कोई नहीं करता. अगर कम time में effectively चीज़ें करनी हैं तो क्या करेंगे हम? In Inquiry and inspection. Technical team के बंदे से inquire करेंगे उनका documents inspect करेंगे. Re-performance सबसे effective है but सबसे ज़्यादा time-consuming है तो generally कोई prefer नहीं करेगा. तो जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद द द इंस्पेक्शन गिव्स मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस लेकिन ऑडिटर को इंस्पेक्शन करना है इंक्वायरी करनी है फ्री परफॉर्मेंस करना है या सबका कॉम्बिनेशन यूज करना है वो किस बात पे निर्भर करता है अगेन वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट की बात है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर स्टार्टिंग से यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना जब ऐसे 200 पढ़ा था हमने

बहुत सिंपल है आराम से आप जाओगे एग्जाम के अंदर व्हाट आर एग्जांपल है अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा बिकॉज ये वही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है जिसके बारे में हमने रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स चैप्टर में डिस्कशन किया तो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर पे हमने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करा है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होता है हमारी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है तो मैं दोबारा से बात नहीं कर रहा यू कैन रेफर इन दैट चैप्टर राइट और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अलग अलग रेफरेंसेज क्या क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर हमने वहां पे डिस्कस किया था डेफिनेशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स किया है तो मैंने आपको एक बताया था कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वो प्रोसेस जो कंपनी डिजाइन करती है टू तो एंश्योर पारो एक फॉर्मुला था पारो और उसे पॉइंट्स याद किए थे और फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का अलग अलग जगह रेफरेंस आता है जैसे कि सेक्शन वन थर्टी फोर सबसे क्लॉज तो वहां पे कहा गया कि लिस्टेड कंपनीज के, के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम उसके बाद 143 फोर्टी थ्री सबसे क्लॉज आई जहां पे कहा गया है कि स्टेटरी ऑडिटर्स को अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम सबसे कहा गया है कि लिस्टेड कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इंटरनल फाइनेंशियल सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसे कहा गया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है सिमिलरली रूल्स में भी इसका रेफरेंस अपने को, देखने को मिलता है 149 नाइन सब सेक्शन एट और शेड्यूल 4 जब पढ़ते हैं तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करते हैं सेक्शन 177 में भी जब फंक्शन कमेटी पढ़ते हैं तो वहां भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है कि ऑडिट कमेटी भी क्या करती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को वैवेट करती है तो वो सारा कुछ यहां भी दे दिया है उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है लगभग डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट कि डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट क्या होता है देखना बहुत सिंपल है जब हम आई टी की बात करते हैं जब हम आई टी नेटवर्क की बात करते हैं तो आई टी सिस्टम को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए करेक्ट डाटा रिलायबल डाटा कोई भी आई टी सिस्टम तब तक करेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक उसको डाटा सही ना मिल जाए जब तक इनपुट सही ना हो अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा देखो अल्टीमेटली अपन जितने भी फिल्टरेशन लगाते हैं जितने भी फिल्टरेशन लगाते हैं जितने भी एनालिसिस करते हैं सब कुछ डाटा के ऊपर तो करते हैं मैनेजमेंट अपने को डाटा मिल गया तो ऑडिट करते वक्त अपन उसमें फॉर एक्साम्पल कैलकुलेट करके देखना है अपने को टोटल सेल्स का फिगर मिल गया तो अपन क्या करेंगे अपने को टोटल सेल्स का एक्सेल मिला है मान लो कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारी इतनी सेल्स हुई है और मैनेजमेंट आपको एक्सेल दे दिया तो आप क्या करोगे एक्सेल में सीधा ऑटोसम का फॉर्मुला लगाओगे और सीधा कैलकुलेट कर लोगे टोटल सेल्स का फिगर कितना है और उस टोटल सेल्स के फिगर को आप सीधा पीएनडल पी से कंपेयर कर लोगे गे कि पीएंडल के साथ वो चीज मैच कर रही है कि नहीं अगर वो सेल्स फिगर पी एंडल के साथ मैच कर रही है तो कहीं ना कहीं अपने को तसल्ली हो गई कि एक्सेल सही है लेकिन अगर वहां पे वो पीएनडल के फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं डाटा में गड़बड़ है बॉस दया कुछ वो क्या कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं अगर वो जो एक्सेल का फिगर है टोटल वो मैच नहीं कर रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है बहुत सिंपल है तो डाटा रिलेबल होना चाहिए अगर वहाँ पे डेटा ही रेबल नहीं है तो वो सब कुछ तो तभी डाटा सही हो अगर डेटा ही सही नहीं है तो मैं उसमें जितना भी फिल्टरेशन टेक्निक लगाना चाहता हूँ सब कुछ बेकार है डाटा करेक्ट मिल गया तो मैं उसमें फलाने तरीके के दस तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगा सकता हूँ फॉर एक्साम्पल मान लीजिए मुझे मेरे क्लासेस का लिस्ट मिल गया कितने क्लासेस परचेज है अब मुझे वहां पे दिखाई दिया कि लाख रुपए के दो तीन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वन लाख रुपए के दो तीन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं तो मैंने क्या किया सीधा वहां पे फिल्ट्रेशन किया कि देख वहां पे कि कितने वन लाख रुपीज के डाटा हैं और मुझे पांच डाटा मिल गया जो एक लाख रुपए के हैं अब मजे की बात हो रही भाई एक लाख रुपए का पेमेंट कहां से आ गया यार स्टूडेंट से पता चला कि अरे भाई वो एक लाख नहीं है वो दस हजार था जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया वहां पे लेकिन जैसे मैंने डाटा फिल्ट्रेशन किया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा 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 वो एक लाख नहीं है दस हजार है अब जीएसटी पांच लाख के ऊपर पे हो जाता है रेवेन्यू पांच लाख दिख जाता एक छोटे से एरर की वजह से वो एरर भी हो सकता था फ्रॉड भी हो सकता था उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाता तो वो कैसे हुआ डाटा एनालिटिक्स से हुआ ना कि डाटा मुझे सही मिल गया मैंने उस डाटा पे फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगा दी राइट लेकिन अल्टीमेटली मुझे सही डाटा मिलना चाहिए मीनिंगफुल डाटा मिलना चाहिए रिलायबल डाटा मिलना चाहिए मैं जितना भी आईटी सिस्टम यूज कर लूं मैं जितना भी डाटा फिल्ट्रेशन कर लू जितना भी डाटा माइनिंग कर लू जितना भी डाटा एनालिसिस कर लू वो तो सारा का सारा फेल है ना अगर डाटा ही गलत है तो सो so इसलिए कहा जाता है कि आज के डिजिटल जमाने में जब कंपनी आई टी सिस्टम करती है और कंपनी नेटवर्क पर रिलाई करती है टू तो ऑपरेट बिजनेस तो डाटा का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक फेमस बिजनेसमैन ने अभी रिसेंटली कोट किया था डाटा इज द न्यू ऑयल

डेटा डाटा स्टूडेंट्स का मेरे स्टूडेंट्स ने परचेस कर अरे यार दिल्ली से मुंबई से राजस्थान सेल्स बहुत ज्यादा से, बहुत है, यूपी से बहुत है. मैंने देखा यार, इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर लेट मी अप विद ए वेंडर ऑफ दैट लोकल सिटी लेट मी आस्क हिम टू प्रमोट हिम तो इफ आई एम यूजिंग द केयरफुली तो आई कैन डू मैनी थिंग्स राइट वट इज टू दैट कंपनी फ्रॉम द यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बेटर कस्टमर सर्विस आपके पास मैसेजेस आते होंगे क्लासेस के कि हमसे क्लास परचेस कर लीजिए बीस परसेंट डिस्काउंट है तीस परसेंट डिस्काउंट है और काफी बच्चे परचेज भी कर लेते हैं तो अल्टीमेटली कहीं से उनको आपका डाटा मिल गया है कहीं से आपका इंफॉर्मेशन मिल गया है कि आईसीआई के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इनका नाम ये है फोन नंबर ये है तो फलाना फलाना कहीं से उनको वो इंफॉर्मेशन मिल गई है राइट एंड दैट इज वाई दे आर यूजिंग डाटा टू इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर सर्विस को अच्छे देने के लिए भी काम कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट्स का डाटा कंपाइल्ड है कि मेरे से कितने बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लिया है मेरे से कितने बच्चों ने फास्ट ट्रैक क्लासेस लिया है मैं अपने रेगुलर क्लास के बच्चों को मान लो कि एक रिविजन क्लास गिफ्ट में देना चाहता हूँ तो अगर मेरे पास डाटा फिल्टर्ड है तो मैं अपने आई टीम में बोलूंगा कि एक काम करो ये जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सबको गूगल ड्राइव लिंक मेल कर दो मेल द गूगल ड्राइव लिंक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु माई रेगुलर क्लासेस जिससे क्या हो जाए कि उनको मेरा एक रिविजन वीडियो एक्स्ट्रा मिल जाए जो यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं है

जितना डाटा मिला फॉर एक्साम्पल मान लीजिए कंपनी शुगर के परचेजिंग में डील करती है तो हम डाटा एनालिटिक्स लगाते हैं हम फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं कि वो सारे ट्रांजेक्शन निकल के आ जाए जो शुगर के अलावा बाकी बा, बाकी ऑर्डिनरी चीजों का परचेज है हमें पता है कि कंपनी का जो नॉर्मल परचेज है वो दिन का मान लो मान लो कि लैडस से एक महीने का एक लाख रुपए है तो हम वहां पे फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि दस बीस लाख का पचास लाख का एक करोड़ का एक साथ परचेजिंग दिखा रही है कंपनी तो हम क्या करते हैं सारा फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं और उसी की हेल्प से क्या करते हैं कोशिश करते हैं देखने का कि डाटा कंप्लीट है कि नहीं मतलब एक्सेल का फिगर अगर पी से मैच कर रहा है ओके डाटा इज कंप्लीट मैच नहीं कर रहा पी इज नॉट कंप्लीट डेट इज नॉट कंप्लीट फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं डाटा कितना है मान लो पचास हजार कस्टमर्स का डाटा है पचास हजार ऑडियंस का डाटा है Population का डाटा है तो उसमें कितना uniform population है, कितना अलग population है, है? अलग उसी 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 के 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 कर कर लिया, के साथ से decide कर लिया, से डाटा अंदर फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशंसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम भी जो भी डाटा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं एक्सल सबसे होता तो है के लिए। अगर किसी auditor को एक्सेल का अच्छा तो ज्यादातर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑडिट टूल है वो क्या है एक्सेल है कि एक्सेल में एडवांसड फॉर्मुलाज होते हैं और एडवांस फॉर्मुलाज के अंदर एडवांस डाटा फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके आप सैंपल साइज डिसाइड कर सकते हो आप फ्रॉड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कंट्रोल्स में डेफिशंसी ढूंढ सकते हो और साथ ही साथ और भी काफी एडवांस ऑडिट टूल्स होते हैं जैसे आईडिया एसीएल ये भी अलग अलग प्रकार के ऑडिट टूल्स होते हैं जिसको यूज करके ऑडिटर क्या करता है डाटा को एनालाइज करता है देखता है डाटा कंप्लीट है कि नहीं डाटा करेक्ट है कि नहीं देखता है कि सैंपल का साइज कितना डिसाइड करना है मैट्रलिटी का लेवल कितना डिसाइड करना है कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं फ्रॉड तो नहीं है तो ऑल दो ऑडिटर डज बाई यूजिंग दिस फिल्ट्रेशन टेक्निक्स बट काम क्या आता है डाटा एनालिटिक्स की जो डाटा मिला है उसी के अंदर क्या कर रहा हूं ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूं यूजिंग दिस टेक्निक्स लाइक एक्सएल आईडिया ए सी एल तो डाटा एनालिटिक्स को यूज करके डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप कौन सा स्पेशलाइज टूल्स यूज करोगे आइडिया है एसीएल है एक्सेल है स्प्रेडशीट है ऑडिटर क्या कर सकता है ये सारी चीजें कर सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ जैसे check, of of है जैसे चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स की पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं डाटा कंप्लीट है कि नहीं डाटा रिलायबल है कि नहीं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैप्लिंग सैंपल साइज क्या रखना है रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस रिकनफर्म कर लिया बैलेंसेस सही है कि नहीं रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम उस पर क्या करते हैं दोबारा से कैलकुलेशन देखते रहते हैं अच्छा देखो डेप्रिसिएशन का फिगर सही है कि नहीं अच्छा देखो बैंक का इंटरेस्ट जो उन्होंने दिखा रखा पी एंडल में वो सही है कि नहीं एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज एज रिक्वाइड दो सो चालीस जर्नल एंट्रीज को एनालाइज करना फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है वो दस लाख और एक लाख का जो एग्जाम्पल था वो एरर है कि फ्रॉड है अगर फ्रॉड है तो किसने किया है एंड

तो एज ऑडिटर अपने को चेक करना है करना है, इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल तो बहुत सिंपल है तो अगर आपसे तो आप पहले इंट्रोडक्शन आज के नेटवर्क को यूज करती है बिजनेस ऑपरेट करती है तो डाटा मीनिंगफुल होना चाहिए डाटा रिलायबल होना चाहिए डाटा कंप्लीट होना चाहिए एक फेमस बिजनेसमैन ने अभी रिसेंटली कहा था डाटा इज द न्यू ऑयल और फिर बोलोगे डाटा एनालिटिक्स क्या होता है

ऑडिटर्स एक्सेल यूज कर रहे हैं स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं आइडिया एसीएल यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट कहते हैं कि ऑडिटर कैट यूज कर रहे हैं कैट मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टिंग ऑडिटिंग टेक्निक्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स तो इन शॉर्ट जो हम कहते हैं कि ऑडिटर स्प्रेडशीट यूज कर रहा है स्पेशलाइज ऑडिट टूल्स लाइक आइडिया और एसीएल यूज कर रहा है तो वहां पे कहा जाता है कि ऑडिटर कैट टेक्निक को यूज कर रहा है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स को यूज कर रहा है और इससे अपने को ऑडिट में क्या फायदा होगा अपन ऑडिट में क्या क्या, क्या करेंगे अपन देखेंगे डाटा कंप्लीट है कि नहीं अपन सैंपल डिटरमाइन कर लेंगे ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशंस, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इंपैक्ट ऑफ इन कंट्रोल्स आप कोई भी एग्जांपल लेके याद कर सकते हो कि एक्सल मिला मैंने देखा पी एंड से मैच करके कंप्लीट है कि नहीं मैंने सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया फिर मैंने रिकनफर्म करके देख लिया कैलकुलेट करके देख लिया फिर मैंने देखा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है अगर वो फ्रॉड नहीं है कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो उसका क्या इंपैक्ट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सिंपल है यार बहुत आसान है और फाइनली एक छोटा सा टॉपिक है कि जब अपन रिपोर्ट करते हैं ऑडिट फाइंडिंग्स को तो अपने को क्या क्या चीजें एस करनी होती है जब अपन रिपोर्ट करते हैं अपने ऑडिट फाइंडिंग्स को तो अपने को क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है अपने को अल्टीमेटली किन किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो नॉर्मली अपन जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो क्या देखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी तो नहीं है अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है तो उसका क्या इंपैक्ट है पूरे ओवरऑल ऑडिट का ओवरऑल ऑडिट के अंदर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फिर जो कंट्रोल में डेफिशेंसी है उसके बारे में दोस्त ऐसे गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देते हैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं यही तो करते हैं ना भैया यही तो करते आए हैं ना आज तक ऑप्टे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऐसा थ्री वन फाइव चेक वैद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इज डेफिशेंट दोन टू 265 यहां भी यही करना है, बस को देखना है।, कि में कोई है? अगर है तो वट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिसनेट रिपोर्ट डेफिशियमेंट दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स मेमो और मैनेजमेंट लेटर्स एंड deficiencies इन राइटिंग एन सिग्निफिकेंट governance बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है इसका साम कुछ हो नहीं सकता तो यह क्या होगा एस एस एंड रिपोर्ट ऑडिट तो देखो आपको कुछ टॉपिक्स और मिल सकते हैं अगर आप स्टडी मैट को एक्सप्लोर करोगे बट एग्जाम के लिए अगर आप इतना कर लोगे मोर देन sufficient है बिकॉज anyways चार नंबर का चैप्टर है तो एग्जाम के लिए अगर आप इतना कर लेते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट आपको इतना ही करना है ठीक है ना तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वरॉनमेंट उसके बाद यूज ऑफ आईटी इन ऑडिट रेलवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट पांच पॉइंट कब कौन से सिचुएशन होंगे जहां पर आईटी हमारे लिए रेलिवेंट होगा ऑडिट के अंदर हम किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर आई रिस्क क्या क्या है आई रिस्क का इंपैक्ट मेरे ऑडिट में क्या क्या है टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स क्या है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जनरल आई एप्लीकेशन एंड आई डिपेंडेंट टेस्टिंग मेथड्स क्या है तो चार टेस्टिंग मेथड्स देखा एग्जांपल देखा फिर तीन पॉइंट को एक्सप्लेन किया फिर आई का रेफरेंस आ गया फिर डाटा एनालिटिक्स का रेफरेंस आ गया और फिर हमारा एसिस रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स तो कुल मिलाकर आपको ये सारी चीजें याद रखनी हैं इन दिस चैप्टर दैट इज ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इवरॉनमेंट